इसको कहते हैं एक्शन, जो आज सुबह से अब तक आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ, सुशुरुआत फिर कमजोरी और शानदार रिकवरी। तो बस इसी ट्रेंड पर अगला डेढ़ घंटा रहेगा, बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद अहम, करेंगे उसकी तैयारी और कल के सेशन की भी। तो एक्सपायरी के हफ्ते में ढेर सारा एक्शन, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज सुबह तो आपने जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, कहा था कि निचले स्तरों से जरूर रिकवरी के आसार हैं, आ गई रिकवरी। अब पूछना यही है कि क्या ये सस्टेन करेगी, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बात है क्या। ध्यान दीप, बिल्कुल आज की स्टोरी तो ये है कि शानदार रिकवरी निचले स्तरों से, और जो कि ड्यू थी, ओवर ड्यू थी, और शायद सुबह का एक झटका वो एक अनएक्सपेक्टेड हो गया ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, लेकिन उसके बाद वाली रिकवरी वाकई में कमाल की है। निचले स्तरों से करीबन 300 पॉइंट रिकवर हो चुका है निफ्टी, और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीबन 600 पॉइंट से ज्यादा रिकवरी बैंक निफ्टी में आपको इस वक्त नजर आएगी। 17,500 के करीब है निफ्टी, और तो 37,200 के ऊपर है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स भी लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 1000 पॉइंट की रिकवरी में, कितनी हजार पॉइंट की रिकवरी, कहां से आ रही रिकवरी? मेटल्स, वेदांता के नेतृत्व में मेटल से सबसे ज्यादा मजबूत। फार्मा शेयर अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, सरकारी बैंकों में खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, और रियल स्टेट शेयर आज फिर से मजबूत होते दिख रहे हैं। लेकिन दो हाल ही की लिस्टिंग जो बड़ी कमजोर रही, पेटीएम और साथ ही साथ फिनो पेमेंट्स, आज दमदार उछाल। पेटीएम के छत्र छाया में फिनो पेमेंट्स नजरअंदाज हो गया, नहीं तो वहां से भी संकेत थोड़ी मजबूती के आते हुए दिख रहे थे। तो दोनों ही आईपीओ, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ, आईपीओ की लिस्टिंग के बाद खराब, और खराब होने के बाद दमदार उछाल दिखाते हुए दिख रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब डाओ फ्यूचर्स कमजोर है। 100 अंक नीचे डाओ फ्यूचर्स, यूरोप 1/4% कमजोर है, लेकिन आज की रिकवरी पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग और निचले स्तरों से फ्रेश खरीदारी के नाम। बिल्कुल सर, एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। डाओ फ्यूचर्स पॉजिटिव हो तो हमारे खराब रहते हैं, नेगेटिव हो तो हम ठीक ठाक रहते हैं सर। सीरियसली, ये उल्टा कोरिलेशन हो गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है ना, बिल्कुल वैसा वाला हाल है। बट एनीवे दीप, सबसे बढ़िया बात यह कि इस रिकवरी में हर लेवल पर खरीदारी का पेशेंस टेस्ट हो रहा है, ये बड़ी चीज है। यस सर, आप देखिए दिन का चार्ट देखिए जी, नीचे खुले और जो हम सुबह बात कर रहे थे कि शुरुआत के 15 मिनट देख लीजिए। यस सर, आज हम 9:30 के बाद कॉल लेना है मार्केट में, क्या करना है, और एग्जैक्टली 9:30 से आप देखिए बाजार ने जो शुरुआत के 15 मिनट में जो पैनिक होना था, जो ओवरराइट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने थे, जिनके सुबह मार्क टू मार्केट लॉसेस नहीं हो सकते, उनकी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होनी थी, और बिल्कुल परफेक्ट 17,200 के लेवल पे, उसके नजदीक से 17,216 से घुमा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी कल के लोथ से 36,650 के आसपास डबल बॉटम बनाकर घुमा है। तो पहली चीज तो कि फर्स्ट आधा घंटे का जो एक्शन है 15 मिनट का, वो एकदम परफेक्ट था। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, हरे निशान में आने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, दो बार ट्राई किया अभी से पहले। आप देखिए 400 निफ्टी का लगा के रखिए, आपको अंदाजा लगेगा, और हो सकता है मुझे भी मत दिखाइए, कोई जरूरी नहीं है, बैंक निफ्टी का भी लगा दीजिए, दोनों चार्ट साथ में देखेंगे तो मजा आएगा जी। देखिए कोशिश की बैंक निफ्टी ने दो बार हरे निशान में आने की, निफ्टी ने एक बार, और वहां पर लगातार सप्लाई आती हुई दिखी। और ये बड़ी चीज है, कल की क्लोजिंग पर अगर लगातार वॉल्यूम हुआ है जो आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि जिनके, जो लोग सोचे थे कि हम कल बेच नहीं पाए, आज 17,200 देखा है, वापस ऊपर आ रहा है, तो हमें बेच देना चाहिए 17,400 पर, तो उस लेवल पर 17,400 के आसपास बाजार ने काफी लंबा वक्त बिताया। बढ़िया चीज दीप ये कि उस लेवल पर सप्लाई एब्जॉर्ब हुई है, और सप्लाई एब्जॉर्ब होने के बाद मिड सेशन के बाद जब सेकंड हाफ में बाजार ऊपर आता तो उसकी ताकत ज्यादा होती है, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही है। अब आप एक और अहम लेवल के नजदीक आ रहे हैं, और वो है 17,500 ये रुकावट का लेवल है। यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी, जो डेटा के हिसाब से ठीक है, और इसलिए हम यहां पर आके रुके हैं। और बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली 37,350 के आसपास का जो हमारा कल का लेवल था, उसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी। तो एक बार हम जिन लेवल्स पर आए वो दिन के लिए डन फॉर द डे। अब बचे हुए समय में आपको दो चीज चाहिए जी। एक, थोड़े डाउ फ्यूचर मजबूत होना जरूरी है, हो सकता है हमें देख के अमेरिका मजबूत हो जाए, वो हम हमेशा भरोसा रखते हैं, लेकिन आज हमें वो गलत फहमी नहीं है, क्योंकि हम 2-3 दिनों से उनके हिसाब से नहीं चल रहे थे, और जरूरी नहीं कि वो हमारे हिसाब से चले, और 125 डाउ फ्यूचर्स नीचे है। तो पहली चीज है कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए। अब डिसाइड एक ही चीज करनी है दीप, कि 17,500 पर प्रॉफिट बुक करना है या 17,600 पर। 17,600 पर तो करना ही है, वहां तो करने, अगर यहां से 100 पॉइंट और मिलते हैं तो वो किसी के इनविटेशन का इंतजार ना करें, क्योंकि मेरे हिसाब से 17,600-17,700 बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन रहेगा, तो वहां तो करना ही करना है। अब अगर आपकी, लेकिन आप फंसे हुए हैं, आप 17,200 देखकर बड़े दुखी थे, और अब 17,500 के आसपास भी आपके पास पोजिशन हल्की करने का, आपके भाव के नजदीक है, मुनाफे में आ गए, तो थोड़ा हल्का रहने में कोई हर्ज नहीं। आज की रिकवरी से खुश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए,
कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल 17200 पर अलग होता है, 17500 पर अलग अलग होता है। 17500 और 17600 पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी अभी भी रहेगी, एक्सपायरी तक थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर में हल्के होते रहे वापस, ताकि आपको नीचे एंट्री करने का मौका मिले, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। क्लियर है सर, चलिए। और ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, तो ऊपर अगर हल्के हुए हाँ तो वापस मौका। और बढ़िया लेवल आपको प्रॉफिट बुक करने का जो है, मैं बता दूं आपको कहां करना चाहिए। अगर निफ्टी आपको आज या कल में 17600 17700 की रेंज में मिलता है, वहां पर एग्जिट करना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी बहुत परफेक्ट लेवल है, 37750 से 37975 ये परफेक्ट लेवल है, 37750 37975 अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आता है तो वहां बुक कर लीजिए। 17600 से 17700 की रेंज में निफ्टी आता है, वहां बुक कर लीजिए, यानी कि 100 से 200 पॉइंट की जगह निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में 700 से 900 पॉइंट की, कितना है 37200, तो 500 से 700 पॉइंट की जगह और है, बन सकती है। ठीक है सर, तो क्लियर लेवल्स हैं आपके लिए जहां पर आपको मुनाफा बुक करना है, थोड़े हल्के हो जाएं, डिप्स पर वापस मौका ढूंढें, क्योंकि आज निचले स्तर से देखें तो शानदार रिकवरी बाजारों ने दिखाई है। आइए बता दें आपको आज के खबरों वाले शेयर्स भी और आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स। मानसी और वरुण दोनों हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, आज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएस इकोनॉमी पर संबोधन देने जा रहे हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह 12:30 पर यह संबोधन होगा, तो कल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कल 24 नवंबर के दिन सीमेंस नतीजों के साथ डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं इंडियन होटल्स पर फोकस रखें, 24 नवंबर यानी कल से लेकर 8 दिसंबर तक इनका राइट्स इशू जो है वो खुला रहेगा। दाम जिसके 150 रुपये प्रति शेयर के तय किए गए हैं। राइट्स इशू के माध्यम से करीब 1982 करोड़ जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। इसके अलावा यूएस Q3 GDP के आंकड़े कल आते हुए दिखेंगे, जिस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही फोकस रखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पर जो कि कल होने जा रही है। कृषि कानून वापस लेने वाले प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। एक्स डिविडेंड कुछ कंपनियां अमारा राजा, नालको, PFC और पॉलीप्लेक्स कॉर्प, ये एक्स डिविडेंड होते हुए तमाम शेयर्स दिखेंगे, जिस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही गुरुवार के दिन यानी 25 नवंबर महीने का आखिरी गुरुवार है, नवंबर सीरीज के एक्सपायरी होने जा रही है। इसके अलावा MTNL पर फोकस रखे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव पर इस दिन वोटिंग होती हुई दिखेगी। साथ ही वोडाफोन आइडिया का जो 20% का टैरिफ हाइक है वो लागू होता हुआ गुरुवार से यानी कि 25 नवंबर से दिखेगा। टेक्समैको रेल का 164 करोड़ का राइट्स इश्यू इस दिन बंद हो जाएगा। 1 नवंबर को ये खुला था, अब ये 25 नवंबर को बंद होगा। ऑफर प्राइस जिसका 23 रुपए है, एंटाइटलमेंट रेशियो 2:7 का है। यूएस के बाजार इस दिन बंद रहेंगे थैंक्स गिविंग के चलते। वहीं जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं गुरुवार के दिन, इस पर भी नजर रहेगी। तो नजर रहेगी। और आज शाम को यूएस मार्केट। अच्छा मानसी, भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों में क्या फर्क है? सर भूमि पूजन जब कोई नई जगह है उस पर उसको जब पूजते हैं, और शिलान्यास यानी उद्घाटन उसका करें। सही है, मुझे तो मतलब भी नहीं मालूम सर दूसरे वर्ड का। मैं तो थैंकफुल हूँ आपने मानसी से जो बोलेगा उसी से पूछा जाएगा। चलिए, तो भूमि पूजन और शिलान्यास में अगर आपको पता है क्या फर्क है तो जरा ट्वीट करके बताइए मुझे। तब तक वरुण तैयार है खबरों वाले शेयर बताने के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे वोडाफोन, इन्होंने अपनी दरें जो है वो बढ़ा दी है, 20 से 25% के आसपास दरें बढ़ी है। 25 नवंबर से नई दरें जो है वो लागू होंगी। तमिलनाडु को लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे MOU साइन किए हैं। ग्रीव्स कॉटन यहाँ तमिलनाडु में EV प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाले हैं, 700 करोड़ के आसपास का निवेश करेगी। TVS मोटर्स, इन्होंने भी तमिलनाडु सरकार के साथ EV के लिए निवेश के लिए करार किया है। अगले 4 सालों में 1200 करोड़ के आसपास का निवेश TVS मोटर्स करेगी। और शॉफ्टर इंडिया, यहाँ पे ग्रीनफील्ड के विस्तार के लिए 300 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो ये कंपनी भी तमिलनाडु में करने वाली, जहाँ एक प्लांट लगाएगी। इसके अलावा इंडियन मेटल्स, 26 नवंबर को बोनस शेयर जारी करने पे बोर्ड की बैठक है। KIOCL हिट रिकवरी कोक ओवन प्लांट लगाने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। 185 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है इस कंपनी का प्लांट लगाने के लिए। एलेम्बिक फार्मा, फेफड़े से जुड़ी एक दवाई है उसके लिए इस कंपनी को USFDA से मंजूरी मिली है। TCS स्विस के कंपनी के साथ डिजिटल वर्कप्लेस के लिए इस कंपनी ने करार किया है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए इस कंपनी ने करार किया है। InfoEdge इंटरनेशनल एजुकेशनल गेटवे में निवेश करने वाली है कंपनी, करीब 10 करोड़ के आसपास का निवेश जो है सब्सिडरी के जरिए कंपनी करने वाली है। टेक महिंद्रा,
टेनेस्को से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। इसके अलावा खबरें ये है कि भारत करीब 50 लाख बैरल के आसपास के जो तेल के रिजर्व्स है उसको जल्द रिलीज कर सकता है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें वेदांता, आपको पता ही है, सुबह सुबह 14-15 करोड़ के आसपास के शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है, लेकिन ONGC और IOC में भी करीब 50 से 55 लाख शेयर्स के बड़े सौदे दिन के दौरान हुए हैं। तो ढेर सारे होते दिख रहे हैं आज बड़े एक्शन वाले आपके, पूरे के पूरे शुरुआत तो वेदांता से हुई है, बड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और जल्दी से हमारे एक्सपर्ट सारे हमारे साथ तैयार हैं, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, हिमांशु गुप्ता, विशेष चौहान और विजय चोपड़ा साहब थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, 5 से 6 दिन की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक रिकवरी ले रहा है, 210 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL। BEL के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है, स्टॉक मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए खरीदारी करें स्टॉक के अंदर। यहां पे CMP पे नीचे में 202 रुपए, 203 रुपए का सपोर्ट बनेगा, तो 203 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 218 रुपए का, दूसरा टारगेट 221 रुपए का। BEL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, 203 के नीचे का स्टॉप लॉस, 218 से 221 के टारगेट्स के लिए। 203 का स्टॉप लॉस, 218, 221 के टारगेट के लिए BEL में करें खरीदारी, सुमित जी की राय। आइए वागले साहब भी तैयार है बिगुल के साथ, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरा स्टॉक है बाय का ही है, स्टॉक है भारती, जिसको मैंने कल भी कवर किया था। कल के माहौल में स्टॉक नहीं गिरा, हालांकि हमारा कल का डेट इंट्राडे का स्टॉप लॉस सेट हुआ, लेकिन अभी यह मूव की शुरुआत है। 755 का करंट भाव है, मुझे लगता है यहाँ पर बाय करना चाहिए, 755 ऐड करना चाहिए। 747 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 775 का दिखाई देती है। अगर निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है तो भारतीय आउट परफॉर्म करेगा। 775 का मेरा टारगेट आज और कल के टाइम। तो 775 का टारगेट भारती पर आते हुए दिख रहा है, जबरदस्त मोमेंटम में है। आज तो वोडाफोन आइडिया ने भी दाम बढ़ा दिए हैं भारतीय एयरटेल के बाद। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए BTSTT। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कैश सेगमेंट के कैप मिड कैप स्टॉक्स में, जिनमें एक अच्छी तेजी अब शायद फॉलो अप मूव आता हुआ नजर आए इतनी गिरावट के बाद। तो यहाँ पर हाइकल एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, जिसमें एक अच्छा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। 520 रुपए के ऊपर यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो अभी इनिशिएट हुआ है, तो मुझे लगता है 510 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर BTSD के तौर पर हाइकल में खरीदारी करें। 540 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है कल यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। जिस तरह से ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड वे में फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स सेगमेंट में है, मुझे लगता है कि स्टॉक में बाकी स्टॉक्स को देखते हुए एक अच्छा रनअप यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो हाइकल में BTSD करके चलने की सलाह रहेगी। कैश मार्केट का स्टॉक हाइकल यहां पर करें खरीदारी, ऊपर की तरफ टारगेट बनेंगे 540 के, 510 के स्टॉप लॉस के साथ डे हाई पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक आज के सेशन में दमदार रिकवरी, धीमे धीमे चार्ट देखेंगे मजा आ जाएगा, एकदम बेहतरीन रिकवरी का कैंडिडेट बनता हुआ। आइए रिकवरी कई सारे स्टॉक्स में दिख रही है और स्पेंसर रिटेल ये है स्टॉक एक फोकस में। इस पर एक खास रिसर्च लेकर हमारे साथ तैयार है मानसी। मानसी बताइए क्या रिसर्च किया आपने स्पेंसर रिटेल पर? शुक्रिया अनिल सर। अक्रॉस द सेगमेंट्स कंपनी फोकस कर रही है, ओमनी चैनल वर्टिकल की सेल्स में शानदार मजबूती देखने को मिली है। H1 FY 22 यानी कि वित्त वर्ष की पहली छमाही की अगर बात करें, ओमनी चैनल वर्टिकल के ग्रॉस मर्केंडाइजिंग वैल्यू में करीब हमने 2.4 times की ग्रोथ देखी है। आपको बता दें कि कंपनी की सब्सिडरी ORIPL जो है उसकी ग्रॉस मर्केंडाइजिंग वैल्यू जो है उसमें 237% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स की जो मैं बात कर रही हूं उसमें हमने 237% की बढ़ोतरी देखी और ये बढ़कर 192 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। सालाना आधार पर इनके सेल्स में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है।
नेट लॉस जो है इस तिमाही वो भी कम होता हुआ दिखा है, 8.7 करोड़ से इनका नुकसान जो है वो घटकर 2.2 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है और कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यूज में करीब 550% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ओमनी चैनल सेल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके मायने आपको ब्रीफ में समझा देते हैं। मल्टीपल रिटेल चैनल पर बढ़िया शॉपिंग के यहाँ पर एक्सपीरियंस दे रही है कंपनी और ऑनलाइन ऑफलाइन वेबसाइट हर तरह से अगर आप स्टोर पर भी जाएंगे तो ग्राहकों को काफ़ी अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपनी दे रही है। कवरेज जो है इनकी ओमनी चैनल वर्टिकल्स की इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जनरल मर्केंडाइज, फूड, ग्रोसरी, अपेरल, फ्रेश आइटम, लिकर, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन हर दोनों ही कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। कारोबार में मजबूती के कारण की अगर बात करें, लॉकडाउन से जुड़ी जो प्रतिबंध कम हुए उसके बाद फुटफॉल्स बढ़े हैं लोगों के, इसका एक फायदा मिला है। नॉन फूड कैटेगरी की मांग इनकी बढ़ती हुई दिखी और मार्जिन में मजबूती देखने को मिली और काफी हद तक कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल्स भी किए हैं जो कि कंपनी के कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होते हुए दिखे हैं। तो बिक्री में बढ़ोतरी देख रहे हैं, लॉकडाउन के प्रतिबंध कम हुए हैं, इसका भी फायदा है जो कि कंपनी के कारोबार को हम देख रहे हैं और इसी के चलते यहां पर एक मूव हम देख रहे हैं, अच्छा एक्शन और कारोबार में सुधार है। ओके, तो ये स्पेंसर क्या हुआ, ओमनी चैनल मतलब क्या हुआ सर? अक्रॉस द सेगमेंट अगर आप ऑनलाइन कुछ बाई करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अगर आप स्पेंसर रिटेल के शॉप्स में जाकर, स्टोर्स में, आउटलेट्स में जाकर कर रहे हैं तब भी प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको कस्टमर्स को दे रही है कंपनी। बराबर है, ओमनी चैनल और मल्टी चैनल अप्रोच ऑनलाइन ऑफलाइन। सर एक चीज सर, शिलान्यास मतलब नींव रखना। आगे आप तो बहुत सारे लोगों ने गूगल करके भेज दिया। तो बेसिकली भूमि पूजन मतलब जैसे आपने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में प्रवेश करने के पहले आप पूजा कर रहे हैं, वास्तु की पूजा है, या आपने फ्लैट खरीदा है तो वो बन गया है, कर गया है उस, या बनने की शुरुआत करने, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और जब कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो खुदाई करके जो आप पत्थर रखते हैं, शिला रखते हैं, वो फर्क है, थोड़ा सा प्रोसेस में फर्क है। तो दोनों ही एक अच्छे काम की शुरुआत करने के पहले के। तो चलिए, तो ये है स्पेंसर रिटेल्स पर, यानी कि स्पेंसर रिटेल अपने स्टोर्स और ऑनलाइन दोनों में अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है आपकी। चलिए बढ़िया, स्पेंसर रिटेल के जरा चार्ट्स देखिए और दीजिए अपनी राय। कुणाल जी, अरे जी देखिए चार्ट अच्छा है, पूरा रिटेल सेगमेंट जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। अरे जी काफ़ी बड़ी तेजी बनने के बाद एक डबल टॉप पैटर्न बना स्पेंसर में और उसके बाद एक ब्रेकडाउन हमने इस सप्ताह आते हुए देखा, वापस से कुछ तेजी बन रही है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत क्रिटिकल लेवल है 120 का, अभी भाव हो गया 116 रुपए का, 120 के ऊपर सेटल हो जाए तब फिर इसमें नई खरीदारी करें अगर आप नई खरीदारी का मौका तलाश रहे हैं, और पहले की खरीद है तो 110 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें, 120 के ऊपर नई खरीदारी कराएं। 120 के ऊपर नई खरीदारी की राय आएगी, यह है स्पेंसर रिटेल। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी एक कॉल तैयार, बिगुल सुमित के सुपर। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक ही है रडार पर, 914 रुपए, 915 रुपए का अभी भाव है, फार्मा स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है और सिप्ला यहाँ पे मेरे रडार पे आया है। सिप्ला में नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है 890 895 के आसपास, यानी जब तक अभी ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक यहाँ पे बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है बाय के लिए। सिप्ला को यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, आने वाले दिनों में सिप्ला में यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जो पहला टारगेट सिप्ला में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा वो है 940 का, और 940 का लेवल टूटता है तो 960 रुपए तक का मूव सिप्ला में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 895 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 940 से 960 के टारगेट्स के लिए। ओके, 940 960 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है सिप्ला, ये है आपके लिए सुमित जी की राय। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए बीटीएसटीटी। हिमांशु जी बताएं सर। दीपांशु जी, बिरला सॉफ्ट मेरे रडार पर है, ये मिड कैप आईटी स्टॉक अपनी एक जबरदस्त बुल रन में है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी बनी हुई है। इनफैक्ट बाजार की दो दिन की गिरावट से पहले स्टॉक ने लगभग 500 रुपए इसके हाई बनाए थे और उसके बाद एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी रिकवरी आज के सेशन में दिखाई है। जिस तरह से यहाँ पर ओवर एडिशन बना हुआ है सुबह से, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें खरीदारी करके चलें और मेरा ऐसा मानना है कि कल तक आपको यहाँ पर 508 और 520 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 485 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, 508 और 520 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको बीटीएसटी के तौर पर लेके चलने की सलाह रहेगी।
ओके तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट। थोड़ा मिड कैप आईटी कल कमजोर हो रहा था बट आज जबरदस्त बाउंस बैक आपको आते हुए दिखा है। 508 और 520 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। चलते हैं विश्वेश जी के पास, बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मेरी ओर से दो ट्रेड है, पहला ट्रेड जो सेकंड था उसको मैं पहले शेयर कर देता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में कॉल साइड्स अब हिसाब से लोअर लेवल से बाइंग आई है और आज पूरे दिन में हम देखेंगे तो 37,250 के ऊपर नहीं जा रहा था। लास्ट 15 मिनट में जिस हिसाब से हम 37,300 के ऊपर सस्टेन हुए हैं, आई थिंक बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 37,600 and 800। तो यहाँ पे ऑप्शन खरीदना थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज आई वी बड़ी हुई है, तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आई वी नीचे आएगी, तो कॉल ऑप्शन खरीद के शायद पैसा ना बने, तो फ्यूचर खरीदना है मेरे हिसाब से, वॉलेटिलिटी भी लेसर रहेगी। तो 37,400 के आसपास चल रहा है स्पॉट और मेरे हिसाब से 37,200 का स्टॉप लॉस रखें, 37,600 और 37,800 के टारगेट होंगे बैंक निफ्टी पे। तो ये मेरा पहला ट्रेड है। ओके तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय, बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीद कर चले। ये सारे लेवल्स आप फ्यूचर के बता रहे हैं अनिल जी? स्पॉट के लेवल है आपके साथ? हां वही मैं सुधा रेजोनेट करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट के लेवल ही शेयर। डन डन डन। 37,400 के आसपास आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी खरीदना है। स्पॉट लेवल बता रहे हैं क्योंकि प्रीमियम कम ज्यादा होती रहती है ना भाई, आप एकदम एक्सपायरी के नजदीक आ गए तो उस हिसाब से 37,200 का स्टॉप लॉस, 37,600 ये दो टारगेट बिल्कुल परफेक्ट है, सही जा रहे हैं। 37,750 से 37,275 विश्वेश जी आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, जहां तक बैंक निफ्टी का फाइनल टारगेट बनेगा 37,750 37,275 और बीच में एक छोटा सा टारगेट 37,825 का भी है। ठीक है तो ये है विश्वेश जी की तरफ से बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय। विश्वेश जी एक और है ना आप बता रहे? जी जी अनिल जी, सुबह मैं देख रहा था और काफ़ी सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके रडार पे अनिल जी फार्मा है, तो मेरे भी रडार पे जो है वो फार्मा स्टॉक है लेकिन थोड़ा सा आउटलुक बड़ा है। देखिए सन फार्मा स्टॉक है करंटली अभी फ्यूचर में 790 के आसपास चल रहा है और कैश के लेवल अगर देखिए अनिल जी तो 790 चल रहा है। मुझे लगता है दिसंबर फ्यूचर खरीदना चाहिए, या मैंने ऑप्शन का डेटा चेक किया था उसके हिसाब से दिसंबर का 800 का कॉल ऑप्शन 16 रुपये के आसपास चल रहा है अनिल जी, इसको खरीदना है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है अनिल जी, लास्ट दो महीने में स्टॉक साइडवेज हो गया और इतनी बड़ी 1,000 पॉइंट की गिरावट में गिरा ही नहीं और आज जिस हिसाब से रिवर्सल आ रहा है मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 900+। तो यहाँ पे सन फार्मा को खरीदे, मैं लेवल्स बता देता हूँ, करंट लेवल पे खरीदे 790 पे, 760 का स्टॉप लॉस, 840 और 900 के टारगेट रहेंगे। अल्टरनेटिवली आप दिसंबर का 800 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो 16 रुपये के आसपास, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा अंडरलाइन के हिसाब से। तो मुझे लगता है सन फार्मा कैन तो सन फार्मा आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार है, फ्यूचर्स खरीद सकते हैं, अगले महीने की कॉल ऑप्शन अगर आप चाहें तो वो भी खरीद कर चल सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि फार्मा एक्शन में आ रहा है, बैंक्स एक्शन में आ रहे हैं और बैंक निफ्टी जबरदस्त मोमेंटम इस समय आपको पकड़ते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देखिए दीपांशु, बैंक निफ्टी की रिकवरी की अगुवाई कर रहे हैं स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों चार्ट्स बहुत ही दमदार हैं, लेकिन खरीदारी करनी है स्टेट बैंक के चार्ट पर जिस पर फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टेट बैंक खरीदे यहां पर इन्हीं स्तरों पर, स्टॉप लॉस रखना है 490 रुपए पर, 4 रुपए नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। पहला टारगेट होगा 502 रुपए का, 502 तक जाएगा और उसके बाद फिर 508 रुपए के लेवल स्टेट बैंक में आते हुए नजर आएंगे। तो स्टेट बैंक में जबरदस्त स्ट्रक्चर है, बाय करके चलने की राय। कुणाल जी जस्ट फॉर नॉलेज एक सवाल है तो पूछने के हिसाब से जाने, जैसे आज बंसल जी तो छुट्टी पे हैं, बताइए ना जी, कॉल्स तो आप ही दे रहे हो पूरा दोनों पार्टनरशिप के नाम पे, चार्ट आर के चार्ट कॉर्नर, अगर इसमें कॉल जो सही होंगे होंगे ही तो उसमें बंसल जी की क्रेडिट कितनी जी? अनिल जी पूरी क्रेडिट है अनिल जी, अनिल बंसल जी यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उनकी आत्मा है अनिल जी और उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है अनिल जी, उनको भी इसमें पूरी तरह शामिल मानिए अनिल जी। बंसल जी की भटकती हुई आत्मा कुणाल जी के लगातार साथ में, चाहे वो छुट्टी पर हो। अच्छा तो कितना बढ़िया पार्टनरशिप, बहुत बढ़िया है, 100% क्रेडिट उनकी अगर कॉल सही हुआ तो, और स्टॉप लॉस हुआ तो 100%
जिम्मेदारी कुणाल जी, कुणाल जी बिल्कुल बिल्कुल ये परफेक्ट फॉर्मूला है। अगर मेरे को ऐसा पार्टनर मिल जाए कुणाल जी आप जैसा जो 100% जिम्मेदारी इसकी ले ले गलत होने की और अगर अच्छा हो तो देता, मैं तो है ना रोज छुट्टी लूं। दीप आप इस बारे में सोचो, कुछ परेशानी नहीं होगी सर, आप ऐसा कुछ सोचो, बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होता है, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए तो कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आपके लिए एसबीआई में खरीदारी करने की राय, 502 और 508 के टारगेट के लिए 490 पर स्टॉप लॉस लगा ले अगर आपका मन करे तो। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। और अपना बिगुल कैंसिल कर चुके हैं, कुछ नया वाला आएगा उनका, आने दीजिए। तब तक आइए बढ़ते हैं आगे। कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल से 9% तक फिसल चुकी है, क्या है वजह कच्चे तेल में इस तरह की तेज गिरावट और इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, बता रहे हैं वरुण। वरुण तो पहले तो क्यों गिरा है कच्चा तेल, वैसे अच्छा ही है लेकिन क्यों गिरा है वो बताइए। जो बाइडेन, ये वो रीजन है जिस वजह से कच्चा तेल गिरा इस बार। तो अनिल जी हुआ ये है कि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, 2014 के बाद के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके थे। तो यू नो यूएस ने कहा ओपेक से कि भाई अपना प्रोडक्शन जो है आप बढ़ा लीजिए ताकि ओवरऑल जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके। लेकिन ओपेक ने कहा कि नहीं, हमने जो अपना प्लान दिया था कि 400,000 बैरल के आसपास प्रतिदिन से हम बढ़ाएंगे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट 2022 तक इनने कहा कि हम इसी प्लान को अपने कंटिन्यू करेंगे और अपने प्लान में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। इसके बाद यूएस ने इनफैक्ट भारत, जापान, साउथ कोरिया, चीन, ये तमाम वो देश हैं, इनसे अपील की कि आपके पास जो ऑयल के रिजर्व्स पड़े हैं आप उनको मार्केट में रिलीज़ कीजिएगा ताकि जो कच्चे तेल में यू नो ओवरऑल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है वो थोड़ी कूल ऑफ हो और सभी इकोनॉमीज को थोड़ा फ़ायदा हो। और इसी बयान के बाद या फिर इसी स्टैंड के बाद यूएस के कच्चे तेल में आपने इस तरह की गिरावट देखी। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स तो वैसे भी यूएस के पास ही है और माना ये जा रहा है कि यूएस करीब करीब 45 से 60 मिलियन बैरल के आसपास के जो रिजर्व्स है उसको मार्केट में रिलीज कर सकता है। पर डे अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल का जो ग्लोबली प्रोडक्शन होता है वो करीब 80 से 90 मिलियन बैरल के आसपास होता है, तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो यूएस रिलीज कर सकता है। दूसरा जापान को अगर आप देखेंगे तो करीब 4 से 5 महीने के आसपास के रिजर्व्स जो ऑयल के वो जापान के पास है। इनफैक्ट जापान की जो प्राइवेट कंपनीज है उनके पास ही करीब करीब 90 दिन के आसपास के रिजर्व्स है, इस तरह के रिजर्व्स जो है वो जापान भी बिल्ड करके बैठा है। भारत, आज वैसे भी खबर आई कि हो सकता है कि करीब 50,00,000 बैरल के आसपास के जो ऑयल रिजर्व्स है वो भारत भी रिलीज कर सकता है। हालांकि भारत के बाद जो ओवरऑल रिजर्व्स है वो करीब 9 दिन के आसपास के हैं, करीब 26-27 मिलियन बैरल के आसपास के हैं। तो ये सभी के सभी देश जो है वो अपने ऑयल रिजर्व्स को रिलीज कर सकते हैं और इसके चलते मार्केट में ऑयल की काफ़ी हद तक सप्लाई आ सकती है और इसी खबर के चलते कच्चा तेल जो है वो $87 से घट घट कर अब करीब $78-79 के आसपास आ चुका है। और एक रीज़न है और वो ये है कि यूरोप में अगर आप देखेंगे तो कोविड के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुछ कुछ जगहों पे वहाँ पे अब लॉकडाउन्स लग रहे हैं। तो कच्चा तेल बढ़ा ही इसलिए था कि डिमांड जो है वो फिर से आएगी और खासकर जो टूरिज्म को रिलेटेड डिमांड है वो फिर से आएगी, रिवाइवल आएगा। लेकिन अगर फिर से लॉकडाउन्स लगते हैं तो फिर से कहीं ना कहीं डिमांड स्लंप हो सकता है और इसके लिए आप देख रहे हैं ये और एक रीज़न है जिस वजह से कच्चे तेल में गिरावट, लॉकडाउन वाला हो गया। हाँ, और दूसरा ये ऑयल रिजर्व्स ये रिलीज होने वाले मार्केट में और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि यूएस कह रहा है कि अब रिलीज कर दो ऑयल रिजर्व्स जिस के जो पास है, पुराने रखे थे इसी दिन के लिए। हाँ, इसी दिन के तो रखे थे कि अब कच्चा तेल अगर इतना बढ़ गया है और ओपेक से कह रहे हैं कि भाई आप बढ़ा दो, तो ओपेक कहता है कि नहीं, हमको तो लगता है कि नहीं होगा इतना ऑयल की सप्लाई। और खासकर ओपेक ये कहता है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो डिमांड में थोड़ा कमी आ जाती है। एक चीज बताओ, $60 आ जाएगा? हो सकता है अनिल जी, बातें तो इसी की चल रही है। बोलो, हाँ तो चल रही है बातें, ऐसी चल रही है कि $60 के आसपास आ सकता है कच्चा तेल। देखो कोविड वोविड वाला मामला, हाँ तो कंजम्पशन कम हो गया, राइट, और ऊपर से रिजर्व आपके रिलीज हो गए और थोड़ी भगवान की दया से ठंड कम पड़ जाए। हाँ, अगर कम हो गई तो, ठंड अगर कम हो जाए तो तीनों काम हो जाए तो काम बढ़िया हो सकता है, $60 आ जाएगा। $60 आ जाएगा, सबसे बड़ा फायदा तो हमको ही है पूरी दुनिया में, पैसे तो बचते हैं। हाँ। मार्केट चले नहीं चले वो अलग बात है, कम से कम हमारा इंपोर्ट बिल तो कम हो जाता है। 85% के आसपास हम इंपोर्ट ही करते हैं। चलिए बढ़िया है, तो ये है आपके लिए राय। सेठी साहब है तैयार, उससे पहले वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, स्पाइस जेट में कुछ मोमेंटम है, मेरे रडार पर यह आया है, बहुत दिनों के बाद एक कैश का कॉल आया है, इनवर्स सडन शोल्डर पैटर्न से ये निकल रहा है, 81, 90, 82 का भाव है, 82 के ऊपर जैसे ये निकलेगा
मोमेंटम आना चाहिए, अभी बाय करें 82 से लेकर 80 स्टॉप लॉस होगा 76 का, तो आपकी रिस्क होगी लगभग 5 रुपए की, और मेरा टारगेट है 98 to 100, तो एक 18 से 20 रुपए का अपसाइड में देख रहा हूँ। 98 से 100 रुपए ये है टारगेट जिसके लिए स्पाइस जेट में करनी है खरीदारी, उड़ान भरने को तैयार। और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का भी कुछ असर है और कुछ बाजार के बदलते हुए मूड माहौल का अजय सिंह आज आपको दिखे भी इंटरव्यू देते हुए। कुछ बड़े डेवलपमेंट होने की तैयारी स्पाइस जेट में। पहला, इनके कार्गो कारोबार में कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। दूसरा, उसका आईपीओ लाया जा सकता है। तीसरा, ड्रोन कारोबार में बड़े प्लान स्पाइस जेट बना सकता है। इन तीनों खबरों के दम पर स्टॉक में एक्शन है भरपूर। और सुबह सुमित जी भी कह चुके हैं एक्शन रहेगा, चिंता ना करें, चिंता ना करें। आज आ चुके हैं सेठी साहब, नोट नहीं, आ चुके हैं। नो नोटा, आज तो नोटा नहीं, नो नोटा। मैं बोल रहा, आइए स्वागत सेठी साहब का करते हैं बिगुल के साथ। बिग स्पेशल हर खुशी के लिए काफी है। सचिन आप कल कहाँ थे? अरे जी कल यहाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, नहीं कल था तो यहीं पे, लेकिन अनिल जी मेरा नंबर आता है 2:30 बजे। हाँ। और 2:25 पे बाजार में जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे 450-500 की गिरावट आ गई, तो मुझे लगा स्टॉक्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर रखे थे, लेकिन चाहे वो डर था कि उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, चलने वाले तो थे और आज चले भी हैं, बहुत अच्छा चले हैं स्टॉक का, आप नाम लेके कोई मतलब नहीं है, बट क्या वो कल नहीं होता तो आज सुबह की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते, तो इस लिहाज से मुझे लगा कि एक बार सेटल हो जाने दे उसके बाद करेंगे, कुछ नहीं करना भी कोई कभी तो कभी ऐसा करना चाहिए अनिल जी। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, कल आपने जिस तरह से एकदम भरपूर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए नोटा का प्रयोग किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। शो में नहीं आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और विशेष कर से सिमी जी का भी सुबह आज नोटा इस्तेमाल, क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है yes. जब भी सेठी साहब ने नोटा का इस्तेमाल किया या सिमी जी ने, हार्डली करते हैं जी, उस दिन या नेक्स्ट डे मार्केट का बॉटम बन जाता है। तो हम चाहते हैं आप भरपूर इस्तेमाल करें जब भी बाजार खराब लगे, तो बहुत बढ़िया, एकदम टाइमली आपने इंडिकेशन दे दिया। बताएं सेठी साहब आज क्या इरादा है? अनिल जी आज दो स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और अनिल जी एक और गुजारिश है आपसे, अगर टाइम परमिट करती है, बाकी लोगों के पास अगर कॉल्स की कमी हो तो अनिल जी कल की जो दो स्टॉक रह गए उसकी भरपाई करने के लिए दो एफएनओ के स्टॉक्स भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं कॉल्स की भी कमी नहीं है, टाइम भी हमारे पास कम है, ऐसा ज्यादा दोनों ही नहीं है मतलब कॉल्स बहुत ज्यादा है, टाइम भी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको छोड़ देंगे, आपने कल जो काम नहीं किया वो आज पक्का करवाएंगे, तो बिल्कुल सेठी साहब आप तैयार हो जाइए, पहले फटाफट दो कैश वाली कॉल्स बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जो पहला कैश वाला स्टॉक है एक टेक्सटाइल कंपनी है जिस सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ, और मैंने कई सारे अच्छे स्टॉक्स हाल ही में केपीआर मिल्स, फिर आपके सियाराम सिल्क मिल्स वगैरह रिकमेंड किया और सबने अच्छा किया, वैसे ही एक थोड़ा कम रिकमेंडेड स्टॉक रहता है ये SVP ग्लोबल वेंचर, कंपनी के नाम में टेक्सटाइल नहीं है बट ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि अभी 121-122 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, तीन प्लांट है, एक तो है तमिलनाडु में, दूसरा राजस्थान में और तीसरा एक प्लांट है ओमान में। ये कंपनी कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न और एक हाईएस्ट क्वालिटी के कॉटन यार्न बनाती है कंपनी, 400,000 इनके स्पिंडल्स है और अभी हाल ही में ओमान में भी इन्होंने कुछ एक्सपेंशन किया है। 5,000 करोड़ की एक दमदार ऑर्डर बुक है जिससे 3 से 4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। और अनिल जी टेक्सटाइल स्टॉक पे तो मेरा बुलिश व्यू रहा, बिकॉज एक तो चाइना प्लस वन का फायदा सभी टेक्सटाइल कंपनीज को हो रहा है, फिर सरकार ने जो एक हाल ही में 10,000 करोड़ की PLI स्कीम अनाउंस करी थी उसका फायदा है। इस कंपनी में भी एक अच्छा खासा टर्न अराउंड देखा जा रहा है, जो सेप्टेम्बर क्वार्टर के अगर नतीजे देखेंगे तो 40 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल सेप्टेम्बर क्वार्टर में सिर्फ 10 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक सस्ता है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 68% हिस्सेदारी है और ये कंपनी का मैंने देखा ये आइकिया को भी कैटर करती है, आइकिया जो कि वर्ल्ड वाइड एक फर्नीचर का बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको भी फैब्रिक्स वगैरह कुछ सप्लाई करती है, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 135 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 115 रुपए का। 115 का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट SVP वेंचर्स इस टेक्सटाइल कंपनी में खरीदारी करने के लिए। बताएं सर सेठी साहब दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो है वो एक मिड कैप IT स्टॉक है, ये भी सेक्टर एक पसंदीदा सेक्टर है,
स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जो कि मैंने पहले भी कई बार रिकमेंड किया हुआ, अभी 610-11 के लेवल पे ट्रेड करता है। मिड कैप आईटी कंपनी है जो कि मेनली क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और मशीन लर्निंग इस तरह के जो हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स है उसमें ऑपरेट करती है। कंपनी के पास 500 जो फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स में से 50 कंपनियां इनकी क्लाइंट है। नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है जिसके 82% रेवेन्यूज यूएस से आते हैं। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक सस्ता है, 17-18 के मल्टीपल पे एक आईटी कंपनी, मिड कैप आईटी कंपनी अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, एक जीरो डेट कंपनी है। सेप्टेम्बर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, मुझे लगता है इस स्टॉक में 610-12 के लेवल पर खरीदारी करें। 640 का टारगेट है और 600 रुपए का स्टॉप लॉस। 600 का स्टॉप लॉस, 640 का टारगेट। सिग्निटी टेक, ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरफ से। तो दो कैश मार्केट के बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और सेठी साहब ने कहा कि दो बेहतरीन पिक्स वो देंगे भी अपनी फ्यूचर्स की। सेठी साहब दो मिनट हमारे साथ लाइन पर, तब तक 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी जल्दी से कर लेते हैं और उसके बाद सेठी साहब से लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स वापस से। जी, कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, आज तो ऐसा दिन है, अगर आप जो भी बोलेंगे वो सच ही होने वाला है। शो की शुरुआत में आप कह रहे थे डाउ फ्यूचर्स थोड़ी रिकवरी दिखा दे, 200 पॉइंट्स नीचे से जब हमने शो शुरू किया था, वहां से 100 पॉइंट रिकवर हो गए डाउ फ्यूचर्स, अब अभी भी 100 पॉइंट्स नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी ज्यादा गिरावट है सर, 0.5% नीचे। यूरोप में भी आज देखेंगे तो आप दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है, बल्कि भारी दबाव है 1-1.5%। तो जो कल इन्फ्लेशन की चिंता यूएस में आई है उसका इम्पैक्ट आप ग्लोबल मार्केट्स पर देख रहे हैं, पर हमारे बाजार डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी मजबूती है, क्या करना है सर? दीप, देखिए सीधी सी बात है कि शॉर्ट कवरिंग खरीदारी जी और हल्के मार्केट, ये है आज की कहानी जो आपको इतनी उछाल दिखा रही है जी। और कल हम ये बात कर भी रहे थे कि कल के सेशन में आपका म्यूचुअल फंड में 25% से 35% का इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए जिन्होंने लगाया। अनफॉर्चुनेटली कल मैं नहीं डाल पाया, मैं शो में बिजी हो गए और उसके बाद में समय नहीं मिला मीटिंग सीटिंग, नहीं तो कल मेरा भी विचार था कि डालूं, फिर जब तक ध्यान आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। बट एनीवे, जो सुन के लगा पाए अच्छी बात है। पहली चीज़ तो ये कि जो हमने आज लोज देखे हैं 17,200-17,275, ये आसानी से नहीं टूटेगा। अब कम से कम वहां उसको तोड़ने के लिए वक्त लगेगा, तो एक तरह का बॉटम, एक शॉर्ट टर्म बॉटम नहीं, बेस पर। हाँ, बेस और बॉटम बोल देने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस वाला हो जाता है, कॉन्फिडेंस रखना ठीक है। ठीक है सर, अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट, दीप, ऊपर कितना जा सकते हैं, क्योंकि अब आप नीचे से देखेंगे 300 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से देखेंगे 300 नीचे है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। 17,675 से 17,775 ये टारगेट है निफ्टी का ऊपर का। ओके, जो 17,200 से आप एक तरफा रिकवरी देखेंगे जी, अब 17,775 तक तो या 17,800 तक जाके तो इसको टर्मिनेट होना ही होना है। अब उससे 150 पॉइंट पहले हो जाए बाद में हो जाए ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, जैसे 18,200 पर टर्मिनेट हुआ जी, वहां से आपने 17,200 एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट देखा। पिछली बार 17,600 से 18,600 एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट आए। यस सर, कितने बड़े वापस 600 पॉइंट। 17,200 से 600 गिन लो 17,800 और मेरा लेवल भी 17,775 निकल के आता है। एग्जैक्ट लेवल बताऊं 17,764 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ट्रेंड बदलेगा। ओके, तो क्लियर, तो थोड़ा हो गया। तो मतलब इसलिए मैं राउंड फिगर में तो 5-25 पॉइंट देना भी, हाँ वो मतलब कब भाई, ऐसा थोड़ी कि हम जहाँ बोलेंगे वहीं पे जाके ऑर्डर अटक जाएंगे या वैसा होगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, 17,600 के ऊपर से हल्का होना शुरू करना है। ओके, बेस्ट लेवल अगर हल्का होने के लिए है तो वो 17,675 से 17,775 है, अगर उस रेंज में मिले तो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उस लेवल तक इंतजार करना है या उससे पहले मेरा भाव आ जाए या मैं मुनाफे में हूं, अगर फंसे हुए तो। जिन्होंने खरीदारी की है उनके लिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, बेस्ट तरीका ये। नीचे में जो ले पाए उनको तो मुनाफे के लिए ट्रेल कर, लेकिन जो पहले के फंसे हुए हैं और जिनके भाव आ रहे हैं और जो नीचे के लेवल देख चुके हैं, बड़े परेशान हो चुके हैं लेकिन किसी वजह से उनकी पोजिशन फिर भी कटी नहीं किसी वजह से, तो उनके लिए गोल्डन चांस है 17,675 से 17,775 की रेंज में आपको जाना है, और चाहे तो 17,600 से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। 600, 675, 775 ये आज से लेके एक्सपायरी तक का मैं बता रहा हूँ। अब रहा सवाल कल, आज बचे हुए एक घंटे का और कल का, उसके लिए हम ये देखेंगे 3:20 पर कि क्या बनता है। अब पहले डेटा बता देता हूँ जल्दी से, आज की क्लोजिंग
17,400 के नीचे नहीं होगी, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। उसका रीजन ये कि 17,400 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं, 17 लाख शेयर आज ही जुड़े तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करें। 17,500 के ऊपर जाकर बंद होंगे अभी उसके संकेत नहीं दिख रहे दीप, हम हैं 17,500 के ऊपर, लेकिन ऐसा लग रहा है 17,500-17,525 से ऊपर बहुत जाएगा, इसके संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। अब शॉर्ट कवरिंग आ जाए, इसके लिए एक चीज जरूरी है कि 3:05 तक 17,500 को होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड किया तो फिर आप 17,575-17,600 भी आज ही देख सकते हैं। ओके और तब आज अगर 17,600 आज ही आ जाता है तो वहां पर बिना किसी को पूछे प्रॉफिट बुक कर ले 100%, क्योंकि नीचे से आप 400 पॉइंट बढ़ाएं बिल्कुल तो ठीक है। अगर नहीं लिया, नीचे में लिया तो कोई जरूरी नहीं 17,600 पे लेना है जी, नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, फंसना नहीं। सो 17,500 मेक और ब्रेक लेवल है बचे हुए समय के लिए। इसके ऊपर अगर 3 बजे तक आप ट्रेड करें, 3:05 तक, तो फिर आप 17,500-17,600 के लिए ट्रेड करें और वहां पर एग्जिट करें। ये आपके निफ्टी के डेटा होगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,000 के नीचे बंद नहीं होंगे इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि 37,000 के पुट में 20 लाख शेयर हैं और 37,500 पर रुकावट का लेवल जहां 21 लाख शेयर है, तो इनमें से किसी एक तरफ निकले तो एक डायरेक्शन खोल लें, अदरवाइज छोड़ दें, सिंपल। ओके बैंक निफ्टी में क्लियर कट दिख रहा है 37,500, तो बेसिकली 37,500 से 37,600 रुकावट का लेवल है, 36,900 से 37,000 सपोर्ट का लेवल है, सिंपल। ठीक है सर, चलिए तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बाजार के आते हुए दिख रहे हैं, ये क्लियर कट लिया। ठीक है, आइए सेठी साहब हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब आपको थोड़ा सा इंतजार करवाना पड़ा, बिगुल बजा दें एक बार सेठी साहब। हाँ फ्रेश, हाँ फ्रेश बिगुल, दो नई कॉल्स और अभी एफएनओ वाली तो बनता है, बनता है सर, बिल्कुल बनाओ। बताएं सेठी साहब। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो दो एफएनओ के स्टॉक है, पहले तो ये दोनों स्टॉक दिसंबर फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है, नवंबर फ्यूचर्स तो परसों एक्सपायर हो जाएंगे, दिसंबर फ्यूचर्स खरीदना। पहला स्टॉक है अनिल जी इंडिया बुल्स हाउसिंग, जो कि अभी 215 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, आज ये स्टॉक बैन में नहीं है तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका है इसको खरीदने का। मेरा ये मानना है स्टॉक अपने हाई से बहुत अच्छा खासा करेक्ट होकर एक बहुत अच्छे लेवल्स पे अब स्टॉक आ गया है और इसमें भी काफी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं और जिस तरह से होम फाइनेंसिंग कंपनीज का परफॉर्मेंस रहा है हाल ही में, मतलब जो होम लोन की जो दरें हैं वो भी एकदम कम है तो काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक में सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि अच्छा खासा करेक्ट होने के बाद कंसोलिडेट होकर वापस से रिकवर कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करें, 225 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 205 रुपए। इसका स्टॉक 225 के टारगेट के लिए आइबुल हाउसिंग में करनी है खरीदारी, स्टॉक कमाल करने को तैयार है। सेठी साहब को भी देखना पड़ेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, सेठी साहब ने तो बता दिया, वागले साहब को भी मजबूरी में नजर तो डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, सवाल तो हम पूछेंगे। वागले साहब तैयार हो जाइए, आ रहा हूँ थोड़ी देर में आपके पास, तब तक आइए सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी ऐसा स्टॉक है जो आजकल सुर्खियों में है, स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट, जो कि अभी 313 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। ये भी अनिल जी जो इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे, बाकी इसमें जो एक कॉर्पोरेट एक्शन एक्सपेक्टेड है जो सोनी के साथ इनके मर्जर की प्रक्रिया है, मुझे लगता है इवेंचुअली वो मटेरियलाइज होगा और वो होता है तो मैं तो मीडियम से लंबी अवधि में इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। बट बाकी ये स्टॉक भी अपने रिसेंट हाइज से वापिस से करेक्ट हुआ है, फिर ये बाजार के करेक्शन के कारण से भी गिरावट आई है बट आज ये वापिस से रिकवर हो रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे खरीदे। इसमें भी बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 325 रुपए का, स्टॉप लॉस 305 रुपए। ओके तो ये है आपके लिए दूसरा स्टॉक जिसमें आपके लिए खरीदारी की राय जी एंटरटेनमेंट पर आदि हुई सेठी साहब की तरफ से, तो ये एक और स्टॉक है जिस पर करिएगा फोकस। आइए अगला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक है 39.25 रुपीज, 39.40 रुपीज अभी भाव है, स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। 6 से 7 दिन की गिरावट के बाद जीएमआर इंफ्रा में आज फर्स्ट डे है जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, कल का हाई ब्रेक हो रहा है, मेरे को लग रहा है अभी ये स्टॉक यहां से स्मार्ट पुलबैक और बाउंस बैक दिखाने को तैयार है। 37 रुपीज 35 पैसा स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 37 रुपए के स्टॉप लॉस से जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करें आज और आने वाले दिनों के अंदर, जल्दी स्टॉक में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जिसमें 41.5 का होगा पहला टारगेट, 43 का होगा दूसरा टारगेट। जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, 41.5 से 43 के टारगेट के लिए 37 रुपीज का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना। तो ये है आपके लिए जीएमआर इंफ्रा जहां पर आपको करनी है खरीदारी। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
दीपांशु, मैंने तो बिगुल की मांग नहीं की थी, लेकिन अगर आप मेरे पास आई है तो मैं भारती पे एक अपडेट देना चाहता हूँ। हमने 54-55 में बात की थी, अभी 59 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है इसका आज का टारगेट 765-766 का है, तो अगर वो लेवल आज के दिन में मिलते हैं तो जो डे ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे पोजिशनली मेरा टारगेट 780 का है। 80 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी। अरे वागले साहब, वो आना तो आपके लिए आईबुल हाउसिंग के पास, आप भी भूल गए, पूछा तो था मैंने आईबुल हाउसिंग के लिए आपके पास आऊंगा। नहीं अनिल जी, मैं भूला नहीं, लेकिन मेरे पास कोई क्लियर ट्रेड सेटअप अच्छा है नहीं, क्योंकि अभी अभी 217 पे है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे हिसाब से मैच नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 210 के नीचे है और सेठी साहब का टारगेट 225 है, वो तो आ जाएगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बट स्टॉप लॉस ये लेवल पे मैच नहीं होगा, प्रॉब्लम वो है। ठीक है ना, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विश्वेश जी तैयार है बिगुल के साथ। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की रिकवरी पेंडिंग है, और एक सेक्टर जो मुझे लगता है स्टनर हो सकता है ऑन द वे अप इज़ दी मेटल, और मेटल में एक पर्टिकुलर स्टॉक जो मुझे चार्ट पे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो है NMDC। अनिल जी, कल के लो के साथ इसने बहुत ही ब्यूटीफुल एक टेक्निकल पैटर्न बनाया और आज उसका कन्फर्मेशन हो गया है, और जिस हिसाब से अब रिकवरी आ रही है मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 160+। तो खरीदना आपको दिसंबर का 140 का कॉल ऑप्शन है जो ₹5.50 आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है मल्टीपल लॉट्स में खरीदा जा सकता है। यहाँ पे जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड है अनिल जी, ₹3 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि NMDC में एटलीस्ट मैं 160 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इस ऑप्शन के जो टारगेट हैं वो ₹8, ₹11 और ₹14 के तक के हो सकते हैं। मुझे लगता है दिसंबर मंथ में NMDC कैन गो टिल 160। ओके, तो NMDC का कॉल ऑप्शन खरीदें, ये राय है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। थोड़ी देर में वसीन साहब कार्यक्रम में होंगे शामिल, उससे पहले विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और चोपड़ा साहब का भी करते हैं स्वागत। सर स्वागत है, बताइए सर क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, या आराम, कुछ नहीं, नोटा, टाइम पास? बिल्कुल टाइम पास नहीं करना, मार्केट ने बड़ा स्मार्ट रिकवरी दिया है अनिल जी, और इन रिकवरीज को राइड करना चाहिए। ये शॉर्ट लिव्ड है ये बात तो कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि एक आध बिकवाली का सेशन हो सकता है, कुछ एक सेशंस हो सकते हैं। मेरे अंदाजे से हो सकता है कि एक बार मार्केट 16,800 भी टेस्ट करे, अगर नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर पर्सनली मुझे लगता है कि एक आध अच्छी सेलिंग आ सकती है जो मार्केट्स को हेल्दी करेगी। तो मेरे अंदाजे से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं शॉर्ट टर्म के लिए सही, आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन के लिए ही सही, बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पहला तो मुझे लगता है HCL Tech, जो अभी तक नहीं चला है IT पैक में, और IT पैक थोड़ा सुस्त ही है आज, करीब 1110 के आसपास अभी HCL Tech ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर में भी यह स्टॉक है, मुझे लगता है कि यहाँ से ये आराम से 1200 और 1250 तक जा सकता है, तो HCL Tech में खरीदारी की जा सकती है, सेफ भी है, और IT कंपनीज को कंजर्वेटिव माना जाता है, इनमें करेक्शन भी हो चुका है, तो अच्छी करेक्शन के बाद यदि अच्छी कंपनी ली जाए तो चांसेस हैं कि वो आपको बहुत अच्छा मुनाफा कमा के देती है। दूसरा, मैं वेदांता के बारे में बोलना चाहूंगा अनिल जी, अगर मुझे एटलीस्ट 3-4 मिनट चाहिए इसके लिए, तो यदि समय अलाउ करता है तो मैं बोलना चाहूंगा कुछ कमी, बस थोड़ी सी देर में यूं गया यूं आया। बसिन साहब का वक्त हो चुका है 2:45, ऑलरेडी 2 मिनट गाड़ी लेट चल रही, जल्दी से उनकी पिक लेकर आपके पास फिर से आता हूं। गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है। बिल्कुल बाजार रिकवरी उसी तरह से कर रहे हैं जैसा आप कल भी बात कर रहे थे, सुबह भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती हुई दिख रही है। बताएं सर पहले तो एक बार आउटलुक और अपडेट। गुड आफ्टरनून अनिल जी, तो वही जो आपको कहा था वैसे ही है, फियर को खरीदिए, ओवरसोल्ड मार्केट है, बृहस्पतिवार लास्ट आधे घंटे में तो जलवा होने वाला है। और दूसरी बात, वेदांता का भाव 350 हो गया, आपको कहा था कुछ डेवलपमेंट आएगी, मैंने आपको कई दिनों से कह रहा था इफ यू रिकॉल, कल के आपके पिक्स थे अंबुजा 385-386, 400 का टारगेट था, आज 397 बिक गया, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। अल्ट्राटेक 7550 में दिलाया था, 7750-7721 बिक गया, सुबह आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक 1425 के लिए दिया था, आपसे प्रॉफिट बुक करा दिया 1415, और 218 रुपये बिक गया कैन बैंक जो 210-12 में दिया था। इसके अलावा अनिल जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी
आपको 36,937 में कहा था, 38 का टारगेट 37,475 बिक गई, पार्शल प्रॉफिट बुक कीजिए। अब दो बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, बैंक निफ्टी का भी जबरदस्त दमदार कॉल और काफी ऊपर वहां पे भी आ चुका है, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चले और पार्शल प्रॉफिट बुक करना है तो वो भी करें, ये राय भसीन साहब की तरफ से है। बताएं सर, अब आज के दो बाय कॉल्स। सर देखिए, पहली बात तो ये है, लोग बाग ये नहीं देख रहे, वोडाफोन 3 मंथ हाई पे जा रहा है, उसका पेमेंट की प्रॉब्लम हो गई, उसने प्राइसेस बढ़ा दिए। वोडाफोन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम करते थे IDFC फर्स्ट, उसने ऑलरेडी प्रोविजनिंग में से 50% उसको राइट वो भी कर दिया प्रोविजनिंग, लेकिन हर बारी IDFC फर्स्ट को इसी बात पे पीटा जाता था। तो मैं कह रहा हूँ IDFC फर्स्ट इज अ बाय विदाउट एनी फ्रैक्शन, 48.48 में लीजिए, 47 का स्टॉप लॉस, 51 से 51.5 पहला टारगेट, या 53 भी जा सकता है। बट इसमें ये याद रखिए, 2 दिन की वॉलिटिलिटी है। मैं कह रहा हूँ IDFC फर्स्ट 31 दिसंबर को 60 और 65 के बीच में होएगा। दूसरा बाय है जो मुझे लगता है ऑटोज में सबसे अच्छा स्टॉक है और उसने दिखा दिया, क्योंकि उसको सेमीकंडक्टर का हार्डली एनी इनपुट है बिकॉज ऑफ ही एंड टाटा मोटर, महिंद्रा 904 रुपए में लीजिए, 3-4 में कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 889 940 to 945, ये प्रीवियस हाई की तरफ जाएगा बिकॉज दिस वॉज द फास्टेस्ट प्लेयर, इसने सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिए और ये कह रहे हैं हमारी ट्रैक्शन सबसे अच्छी है। दो बेहतरीन स्टॉक में करें खरीदारी, IDFC फर्स्ट बैंक ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, 47 का स्टॉप लॉस, 51, 50, 53 दो छोटे टारगेट और 60 से 65 लंबे वाले टारगेट आप लेकर चलें, और M&M यहां करें खरीदारी, 889 का स्टॉप लॉस, 940-945 के टारगेट के। बहुत बहुत धन्यवाद भसीन साहब बेहतरीन पिक्स देने के लिए और साथ ही पूरा अपडेट भी। आइए अब चलते हैं आपके चोपड़ा साहब के पास, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, उनकी कॉल लेकर फिर चोपड़ा साहब से करेंगे मुलाकात। बताएं सर। अनिल जी, एक और स्टॉक है जो बाय के साइड आया है, टेक्सटाइल स्टॉक्स में और रिलेटेड स्टॉक्स में इनमें अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में भी। तो यहाँ पर स्टॉक है ट्रेंट का, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको खरीद के BTSC के तौर पे चला जा सकता है। तो अनिल जी, कुछ ही चुनिंदा स्टॉक है इस मार्केट में जो अपने ऑल टाइम हाई के बेहद पास है, और उसमें से एक ये स्टॉक है ट्रेंट का। यहाँ पर हमने देखा कि 1100 रुपए के आसपास के जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से होल्ड कर रहा है और आज के सेशन में ना केवल सुबह से ही यहाँ पर लॉन्ग बनते नजर आए, बल्कि पिछले 1 घंटे में भी यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग एडिशन बनते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1140 के टारगेट्स के लिए इसको BTSC तौर पर किया जा सकता है, 1104 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड होगा वो स्टॉक जिसमें मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह है। 1140 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप ट्रेंड में, ये राय 1104 का स्टॉप लॉस, क्या बात है, सब चलने लगे हैं। ओके, एक और स्टॉक जो रहेगा एक्शन में, फोकस में, और वो है सीमेंस। नतीजे आने वाले, कुशल बताएंगे हमें कैसे रहेंगे नतीजे, लेकिन कुशल आपको करना होगा इंतजार, आप कतार में, ये मार्ग अति व्यस्त है और चोपड़ा साहब पहले से इंतजार कर रहे हैं, पहले चलेंगे चोपड़ा साहब के पास, चोपड़ा साहब की विशेष टिप्पणी वेदांता पर। बताएं सर। चोपड़ा साहब आप तो ऐसे ना थे, ये कब हुआ, कब से हुआ आपको भी म्यूट? हेलो जी साहब, मैं ऑडिबल, हाँ जी, मैं पिछले 1 साल से काफी बुलिश था मेटल्स में और उसी के चलते हुए मुझे वेदांता भी बहुत पसंद है, और हालांकि पहले भी बहुत रिकमेंड किया, मगर इसमें कुछ एक मुद्दे में कुछ एक पॉइंटर्स बोलना चाहता हूँ। वेदांता के अंदर कॉपर, आयरन ओर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड और क्रूड, ये सारे के सारे बिजनेसेस मिलते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, पिछले 1 से 1.5 साल में इस कंपनी ने डीलिस्टिंग की कोशिश करी है 88 पे, 160 पे, 235 पे, और अब 350 पे कंपनी बायबैक की बात कर रही है। और मुझे लगता है कि जब भी मैनेजमेंट बायआउट करती है तो उसके बाद बहुत तेजी देखने को मिलती है स्टॉक में। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हिंद जिंक की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 1,37,000 करोड़ की है और इसका करीब 65% जो स्टेक है वो वेदांता के पास है। वेदांता का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज तो जो भी एडजस्टेड होगा पता नहीं, मगर कल तक का 1,27,000 करोड़ था। अगर ये हिंद जिंक को बेच देता है या पूरा का पूरा इसको मोनेटाइज करता है तो 88,000 करोड़ वहां से निकलते हैं। तो पूरा का पूरा वेदांता का इतने सारे जो बिजनेसेस मैंने बताया, कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये 38,000 करोड़ में अवेलेबल है। एक ऐसी कंपनी है जिसकी डिविडेंड यील्ड करीब करीब 7% की है,
और मुझे लगता है कि वेदांता आने वाले समय में स्टील के कारोबार में भी बहुत स्ट्रांगली उतरेगा और इसीलिए उसने इलेक्ट्रो स्टील का भी टेक ओवर किया था। ये बात गौर देने वाली है अनिल जी कि ये वेदांता दुनिया का नौवा सबसे बड़ा सिल्वर का प्रोड्यूसर है और मुझे लगता है 2022 जो है वो सिल्वर का साल होगा और सिल्वर बहुत अच्छा करना चाहिए प्रेशियस मेटल्स में। आप लोगों का भी बहुत अच्छा मांग है वो बढ़ती रहेगी। यूएस में भी जो बिल पास हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पे भी मेटल्स की खपत होगी और वेदांता अब एक ग्लोबल कंपनी बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके पास सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत अच्छे माइंड्स भी हैं। तो मैं आज वेदांता का टारगेट देना चाहता हूँ 500 का। यहाँ से भी बहुत अच्छी तेजी मुझे नजर आती है, बहुत अंडरवैल्यूड कंपनी। मैंने आपको बताया 38,000 करोड़ में सारे बिजनेसेस अवेलेबल हैं, तो वेदांता में अभी भी खरीदारी की जा सकती है और 500 के स्तर के लिए टारगेट के लिए इसको लीजिए। सर आज तो सोच विचार भी मिल, मजा आ गया सर, मतलब पूरी रिसर्च पढ़ाई वढ़ाई एकदम करके एकदम कंप्लीट डिटेल के साथ, और इसलिए आपने अगर 4-5 मिनट लिए तो बिल्कुल सही लिए सर। 500 रुपए का टारगेट आपके लिए, हिंडाल्को का टारगेट 600 रुपए, वही है सर? बिल्कुल ठीक है, और हम लोगों ने कॉफी भी पीना है बिरला साहब के साथ। हाँ, देखो मैं अपनी बोल सकता हूँ, मैं पिला दूंगा, बाकी उनकी मैं गारंटी नहीं लेता भाई, जो अपने हाथ में वो कमिटमेंट कर सकता हूँ उनके नाम से मैं पिला दूंगा, बिल भी मैं ही पे करूंगा, बिल भी मैं पे करूंगा। तो चलिए हिंडाल्को के 600 के टारगेट और वेदांता के 500 के टारगेट के लिए रखें आप निवेश अपना बरकरार। सीमेंस आएंगे, रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ ज्यादा ही लेट, पक्का कुशल? रिजल्ट सीजन खत्म हो गया आपको मालूम नहीं शायद? नहीं, रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, तो ये आउट ऑफ द ब्लू निकल कर आया है कि हाँ, जो चौथी तिमाही के नंबर्स हैं वो आप घोषित करेंगे। अच्छा, बेसिकली इनका वो कैलेंडर ईयर है क्या? हाँ, सितंबर एंडिंग है। अच्छा, सितंबर एंडिंग है। Q4 अलाउड है क्या सबको, कोई भी? अरे चोपड़ा साहब, ऐसे सबको अलाउ है कि कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कोई भी रख सकती है, कोई मार्च रखे, कोई सितंबर रखे, कोई दिसंबर, ऐसा अलाउ है? मेरे अंदाजे से तो नहीं है, जहां तक इंडिया में हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं वो अप्रैल से मार्च तक का ही होता है। अंटिल इस पे एक चर्चा जरूर हुई थी कि भारत सरकार सोच रही है इसको, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग इसको जनवरी टू दिसंबर करेंगे, मगर अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगेन बड़ा आराम हो जाए जनवरी से दिसंबर का, तो बड़ा क्योंकि है ना, वो है ना सीए में पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले तो फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, फिर असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब 22-23, अब वो इतना लाइफ में कंफ्यूजन की ये कौन से वाला। अगर एक ही साल रखे भाई कि फाइनेंशियल ईयर 2021, तो अपने आप असेसमेंट ईयर 2000, मतलब बड़ा आराम हो जाएगा जनवरी से दिसंबर होना। करेक्ट, हाँ ये जरूर है। फिर जो दिसंबर एंड में लोगों को जो एडजस्टमेंट करना होता है वो न्यू ईयर की टेंशन नहीं बना पाएंगे, सीए कोई नहीं मिलेगा। सीए लोगों के लिए तो ऊपर वाले का पूरा वरदान है उन पर, उनके सारे है ना लास्ट डेट जो ऑडिट की रिटर्न भरने की उस वक्त आती है, जब है ना कोई दिवाली हो, जब कोई त्योहार हो, वो तो लिखवा के लाए। मतलब सीए की आर्टिकलशिप के टाइम से जो घिसाई शुरू होती है ना, जिंदगी भर चलती है, जिंदगी भर चलती है। मतलब हमेशा घर में शादी होगी उसी समय पता चलेगा कि किसी की वो डेट आ रही है नजदीक। हमेशा छुट्टियों के वक्त आपके कोई त्योहार व्यवहार आएगा, ये तो हमेशा का काम है। चलिए तो ओके, सीमेंस नतीजे देने वाले, बताइए अनुमान। देखिए चौथी तिमाही के इनके नंबर जो सितंबर एंडिंग वाले हैं वो रिजल्ट आज आ रहे हैं कि कल आएंगे? कल आएंगे ओके। यस, तो कल इसके नंबर्स आने वाले हैं और जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं 2-3 पैरामीटर्स पर काफी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, जिसमें आय करीबन 18.5% बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी ने सभी सेगमेंट्स में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद हम लगा रहे हैं, और साथ ही कंपनी के जो नए ऑर्डर्स हैं वहां पर भी 17% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 3756 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स जो हैं कंपनी को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो जिस तरह से सप्लाई चेन के थोड़े से इश्यूज हुए हैं और जो कमोडिटी कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी है, उससे कंपनी की मार्जिन्स करीबन 1% गिरकर 12.9% से 11.9% हो सकती है, और कंपनी का मुनाफा जिस तरह से टैक्स रेट घटे हैं उससे कंपनी के मुनाफे में 24% का उछाल हो सकता है, और 412 करोड़ रुपए पर कंपनी अपना मुनाफा जो है दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए सीमेंस के नतीजे का अनुमान। नतीजों के पहले स्टॉक थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ बाजार के मूड माहौल के साथ इस वक्त बढ़ते आगे, और वक्त है आपके लिए नितिन जी से मुलाकात करवाने का। तो
बताएं नितिन जी। देखिए बाउंस नीचे से आया है मगर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और परसों एक्सपायरी है तो और 17,500 पे काफी कॉल राइटिंग है तो उसको देखते हुए मैं 17,500 की पुट ऑप्शन लूंगा जो 68 में मिल रही है अभी। 17,500 की पुट ऑप्शन 68-69 में लेना है। स्टॉप लॉस होगा 28 रुपीज का और टारगेट होंगे 140 रुपए के। यानी ओवरऑल लग रहा है कि ये बाउंस के बाद फिर से करेक्शन आनी चाहिए तो 140 का टारगेट होगा, 28 के स्टॉप लॉस होंगे। सेट पे खरीदिए, 28 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट, 40 रुपए का स्टॉप लॉस और लगभग 70 रुपए ऊपर तक के टारगेट आपके लिए। 70 वाला 140 ये है आपके लिए। निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है 17,500 का। बैंक निफ्टी पे कोई व्यू नितिन जी इस वक्त? जी बैंक निफ्टी पे भी हम बाउंस देख रहे हैं और ऊपर वापस से रेसिस्टेंस आएगा 37,500 की रेंज में, बट ये काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है तो हल्का बाउंस आ सकता है। पॉसिबल ऐसा है कि कल एक बार पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है, उसके बाद ऊपर से फिर सेलिंग आनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में ओवरनाइट कैरी नहीं करेंगे बट कल अगर ऊपर से खुल के 37,500 के आसपास रेसिस्टेंस ले तो फिर वहां पे कुछ शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है। ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव है। ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है नितिन जी को, बाउंस बैक आया है, ये कल तक भी कंटिन्यू कर सकता है बट फिर आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं पुट खरीदने की राय नितिन जी की तरफ से। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए। और आधे घंटे पहले जब अनिल जी ने स्ट्रैटेजी भी बताई थी तो कहा था कि 17,500-600 के बीच थोड़े रेजिस्टेंस अब आ सकती है। बिल्कुल देखिए उसी लेवल पर आधे घंटे से बाजार अटका हुआ है, गिरा नहीं जा रहा है इस समय। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। इंडेक्स अब थोड़ा रिकवरी में अटक गया है बट एक एक करके स्टॉक्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। ग्लेनमार्क में आज बड़ा एक्शन हुआ है, करीब 9.5% की तेजी आप ग्लेनमार्क में बनते हुए देख रहे हैं। विश्वे जी ऐसा क्या हुआ है ग्लेनमार्क में, जरा इसकी चार्ट भी देखकर बताएं क्या चल रहा है यहां पर। देखिए मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक्स का, जितने भी फार्मा स्टॉक्स है जिनका लास्ट 2 दिन में ब्रेकडाउन हुआ था वो सम सॉर्ट ऑफ फॉल्स ब्रेकडाउन था। सिमिलर चीज़ आपको लुपिन में भी दिखेगी, लुपिन लेकिन अभी तक उस लेवल पे रिकवर नहीं हो पाया है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु कि इनका जो ये आज का बाउंस है सारे फार्मा स्टॉक्स का, दैट इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ अ बिग शॉर्ट ट्रैप। और अगर ग्लेनमार्क की बात करते तो 540-490 के रेंज में बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया है, कल ब्रेकडाउन हुआ और आज वापस आ गया है। आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि शायद ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है। तो दीपांशु मैं ये कहूँगा कि 500 के कॉल में अभी भी राइटिंग है, 540 तक स्टॉक जा सकता है। तो ग्लेनमार्क, लुपिन, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक का अभी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि शॉर्ट टर्म में बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। तो बाय ऑन डिक्लाइन का है शॉर्ट टर्म में और यहाँ पर आप मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। नजर रखिए फार्मा स्पेस एक्शन में आ रहा है, पर एक स्टॉक जो कल के लिए आज ही आइडेंटिफाई कर लिया है कुणाल जी ने, आइए चलते हैं उनके पास बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। दीपांशु स्टॉक वही है जिस पर वागले जी ने अभी अभी खरीदारी की राय दी, स्टॉक का नाम है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट का जो चार्ट है बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसको कल के लिए और आने वाले 2-3 सत्रों के लिए लेकर के शर्तिया जाना चाहिए। 82 के ऊपर एक रेजिस्टेंस थी जिसको अभी बहुत डिसाइसिवली और बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने पार किया है। अगला जो पड़ाव है चार्ट पर मुझे सीधा 100 रुपए के आसपास नजर आता है, बीच में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। 90 के पास एक मामूली सा कंजेशन है लेकिन मुझे लगता है 100 की ओर अग्रसर है, बाय करके चलें, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। यहां पर आप एक स्टॉप लॉस रख लें 80 रुपए 50 पैसे पर, 80.5 पर पहला टारगेट होगा 90 रुपए का और 90 पार होते ही फिर सीधा 100 का लक्ष्य है। तो स्पाइस जेट मिस नहीं करना चाहिए बाय करने की राय। स्पाइसजेट मिस नहीं करना चाहिए बाय करने की सलाह। और कन्विक्शन कॉल्स आ रहे हैं सर, हमारी एक्सक्लूसिव खबर का भी इंपैक्ट आज स्टॉक नहीं, खबर बहुत तगड़ी खबर थी हमारी और उसका असर साफ दिख रहा है। नो डाउट बाजार का मूड माहौल भी बदला है लेकिन स्टॉक पर इंपैक्ट आप देखिए जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है। 76 का स्टॉप लॉस 98 से 100 नहीं के फेर में पढ़ना नहीं चाहते वागले साहब, इसलिए उन्होंने 2 टारगेट दिए 98 100 के। ट्रिपल डिजिट 100 के टारगेट आपके लिए। आइए आशीष है तैयार बैंक से बेनिफिट। J
बचे हैं बैन में? सिर्फ दो स्टॉक बचे हैं सर। कोई बार आएगा? मुश्किल है। एस्कॉर्ट्स अभी भी 89% है मार्केट वाइड पोजीशन में, 80% से नीचे नहीं है, पॉसिबल नहीं है इसका। ओके, और दूसरा कौन सा है? आईडिया 82 है, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा रिजिड है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें तेजी से पोजीशन जो है कम होती हुई नजर आए। 81.7% है फिलहाल प्रिसाइजली, तो थोड़ी ये भी बॉर्डर लाइन के आसपास ही, अभी कम नहीं हो रही, काफी देर से देख भी रहा हूँ तो इसके भी चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। ओके, और बैन में एंट्री? सर एंट्री एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी हो सकता है कि रोल ओवर के चलते भी पोजीशंस काफी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि जो तीन स्टॉक कल बैन से बाहर आए हैं आज उनमें पोजीशंस काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में बिल्टअप हुई है। सन टीवी 110% हो गई है, कल 78% के साथ बाहर आता है बैन में। सेल यहां पर भी देखिए करीब 106% है और नालको करीब करीब 100% है, तो ये तीनों जो स्टॉक जो बैन से बाहर निकले थे इनमें 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। इनमें थोड़ी सी स्लाइट प्रोबेबिलिटी, वैसे मंथली एक्सपायरी का महीना है तो रोल ओवर के कारण भी जो है पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आती हैं। करेक्ट, तो ये है आपके लिए सन टीवी, सेल, नेल्को। बॉर्डर पे आ भी सकते नहीं भी आए, कई बार क्या होता है कि जब रोल ओवर करना है जिनको तेजी की पोजिशन या मंदी की पोजिशन पहले नेक्स्ट सीरीज में बना लेंगे फिर करंट सीरीज में रिवर्स करेंगे। विश्व जी ऐसा करते हैं ना बहुत सारे लोग, आप तो एफएनओ के डेटा देखते हैं बहुत। मेरे हिसाब से अनिल जी देखिए एक लॉजिक ये होता है कि बहुत ही ओवरसोल्ड जब पुटकॉल रेशियो होता है, और ये फॉल की एक स्पेशलिटी ये रही थी कि हमने कभी भी 0.65 के ऊपर बैंक निफ्टी का पुटकॉल नहीं देखा था, तो बाय दैट लॉजिक बड़ी शॉर्ट कवरिंग शायद ना हो ये एक्सपायरी में, इवन दो हम यू नो ओवरसोल्ड है एंड एवरीथिंग सब अपनी जगह है। मुझे लगता है 37,500 शुड बी दी अपर हैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेसिव कॉल राइटिंग इज इंडिकेशन अ कॉन्फिडेंस ऑफ अ राइटर। तो जब तक अंडरलाइन आप देखिए कितना स्ट्रगल कर रहा है, मतलब हमारे बाय देने के बाद 50 पॉइंट ऊपर गया होगा, 150 पॉइंट नीचे है, दिस इज अ इंडिकेशन कि कॉल राइटर्स आर नॉट इजी टू यू नो रन अवे, और मेरे हिसाब से दे आर जस्ट वेटिंग। सो अगर होना है शॉर्ट कवरिंग तो मुझे लगता है ये एक्सपायरी के बाद होगा, तो मैं वसीन साहब को भी सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि वो कह रहे थे कि एक्सपायरी 38 के पास, मुझे लगता है उसके कम चांसेस है अनिल जी। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर, देखते हैं बैन में कौन आता है। फिलहाल बाहर तो कोई नहीं निकल रहा, कम से कम आएंगे तो देखा जाएगा जैसा भी होगा। बिल्कुल, तो नजर रखिए उस पर। बाय द वे सर, डाउ फ्यूचर्स और रिकवर हो गया, अब सिर्फ 75 पॉइंट ही नीचे है, तो जो आपने रिकवरी की बात करी थी 125 पॉइंट्स, वहां से आपने देखा है डाउ फ्यूचर्स पर रिकवरी आती हुई दिखी है। कल का इंटरेस्टिंग होगा दीप, क्योंकि आज तो जो काम होना चाहिए नीचे और ऊपर की तरफ दोनों हो गया, हो गया। अब कल जो होगा उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। यस सर, पहला आज के एफआईएस के डेटा और दूसरा ग्लोबल, और दोनों ही अनिश्चितता वाला मामला है। एब्सोल्युटली, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा लाल में है लेकिन रिकवर भी हो रहा है बार बार नीचे से, तो पता नहीं क्या होगा, है ना। एफआईएस के डेटा ऐसे देखोगे पीछे दो तीन दिन से तो कुछ खरीदा नहीं जाएगा आपसे, और ऐसा लग रहा आज की स्क्रीन देख करके तो थोड़े बहुत वापस से खरीदारी के मूड में आए। और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, बड़े दिनों बाद स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छा डेटा दिखा। बिल्कुल, स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छा डेटा दिखा। और आप कहते भी हैं कि फ्यूचर्स पहला इंडिकेशन होता है और फिर उसके बाद आप कैश में देखते हैं, तो थोड़ा अच्छा भी हुआ है, तो देखो क्या होता है। क्या आज के डेटा इंटरेस्टिंग होंगे जो कल का, लेकिन हाँ अगर लोगों ने कल जिन्होंने एक इंस्टॉलमेंट गई तो उनके लिए एक अच्छे लेवल पे कल एंट्री हो गई। बिल्कुल सर, बढ़िया एनएवी मिलेगी वहां पर। तो आइए कुछ मूव्स और जो इस समय बाजार में बनती हुई दिख रही है वहीं पर डाल देते हैं नजर, क्योंकि सहारा देने की कोशिश आज मिड कैप आईटी का जो बाउंस बैक है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है, तो उस पर रख रही है नजर। माइंडट्री पर एक अच्छा रिवर्सल आज आपने बनते हुए देखा है, बट ज्यादातर फोकस आज फार्मा पर बन रहा है, और औरोबिंदो फार्मा एक और काउंटर अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे फार्मा पैक में, पर वापस ये 650 के लेवल पर आ गया जो हमेशा इसका एक इंपॉर्टेंट पिवट देखा जाता है। जरा इस पर भी एक राय ली जाए हिमांशु जी से। हिमांशु जी, औरोबिंदो फार्मा जो फार्मा में आज मोमेंटम है, यहाँ पर बीटीएसटी का भरोसा बनता है सर? तो दीपांशु जी, लॉजिक वही है कि औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, लुपिन, कैडिला, ये सभी बेसिकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के नीचे जाने के बाद एक रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस रिवर्सल के बाद यहाँ पर एक या दो दिनों के पॉज के बाद अगर फॉलो अप बाइंग मिलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन जो एविडेंस है वो मिलेगा कि फिलहाल के लिए स्टॉक बॉटम आउट हो चुके हैं। फिलहाल जिस लेवल पे स्टॉक हो रहा है यहाँ पर बीटीएसटी करके चलने की मेरी सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि 650 के आसपास यहाँ पर थोड़ा एक रेजिस्टेंस है। अगर खरीदारी करनी भी है तो मुझे लगता है 640 638 अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पर एक कॉन्ट्राबैट ली जा सकती है 630 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है औरोबिंदो फार्मा जो अच्छी
ये तो 4% वैसे तो बढ़ता ही नहीं है, कभी नहीं, बहुत कभी नहीं बढ़ता है, तो मतलब बहुत ही कम इसके मतलब लक्षण होते हैं। लेकिन एक स्टॉक जो तगड़ा बढ़ रहा है और मजबूती से बढ़ रहा है और वो है रेमंड्स। आपने आज रेमंड्स के चेयरमैन ही है ना गौतम सिंघानिया साहब, उनसे आपने एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू देखा होगा दोपहर 12 बजे स्वाति के साथ, और देखिए स्टॉक 10% से ज्यादा भागा है। उस इंटरव्यू में जो प्लान्स उन्होंने रखे हैं, रियल एस्टेट में जाएंगे हिंदुस्तान के बाहर, मैं सब क्यों बताऊं, मानसी है ना यहाँ पर बताने के लिए, मानसी ने मेहनत की, मानसी खुद बताएगी, मानसी बताइए रेमंड्स क्यों फोकस है? बिल्कुल शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने कहा इंटरव्यू में रियल एस्टेट पर खासतौर से उन्होंने फोकस किया, लेकिन रियल एस्टेट के साथ ही 5 और कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जिस पर वो फोकस करना चाहते हैं, सबको अलग अलग कर एक एक सेगमेंट पर फोकस करने की यहाँ पर योजना बनाकर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो रेमंड्स की योजनाओं पर मैं आपसे पूरी विस्तार से बातचीत भी करूंगा और डिटेल्स भी लेंगे, लेकिन आइए एक बार जल्दी से रेमंड्स के चार्ट्स देख लिए जाएं और चार्ट्स पर राय देंगे सुमित जी। सुमित जी, रेमंड्स पूरा सेक्टर मजबूत है, जहां तक रेमंड का सवाल है ये 600 का लेवल जल्दी ही क्रॉस करने वाला है, जिन्होंने भी इसके अंदर पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस होल्ड करें, आज बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला है और ये मूव इजीली रुकने वाला नहीं है। 600 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 600 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो स्टॉक के अंदर 650 रुपए से लेके 700 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में रेमंड में देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से होल्ड की सलाह है, डीप आता है खरीदारी करें, एक अच्छा मूव यहां से भी आने वाले दिनों में ऊपर में देखने को मिलेगा। अभी 12-13% था, 17% मानसी जल्दी से बताइए योजनाएं रेमंड्स की। सर रियल एस्टेट में कारोबार विस्तार प्लान्स तो हम लगातार बता ही रहे हैं, और जब इन्होंने कारोबार विस्तार बड़े पैमाने पर किया था तब भी बताया था, लेकिन अब कारोबार को और ज्यादा रिओर्गेनाइज करने पर फोकस कंपनी करके चल रही है। 5 कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जिस पर फोकस किया जाएगा, अगले एक साल में इन तमाम सेगमेंट्स के बोर्ड का भी गठन होता हुआ दिख जाएगा। FMCG और रियल एस्टेट पर तो यहाँ पर बोर्ड बनते हुए दिख भी चुके हैं, और बाकी जो 5 कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, फोकस स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि टेक्सटाइल है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, रियल एस्टेट और FMCG, इन तमाम को जब अलग अलग करेंगे, मैनेजमेंट का ये कहना है कि अलग अलग करने पर प्राइवेट इक्विटी के मौके बढ़ते हुए दिखेंगे, पूंजी जुटाने और शेयर होल्डर्स के हित के लिए फैसले लेने में भी काफी हद तक यहाँ पर फायदा और कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप होती हुई दिखेगी। शेयर होल्डर्स के वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस रहेगा, और इन फोकस अगर हम देखें अभी सबसे ज्यादा फोकस में इनका रियल एस्टेट का कारोबार है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई बड़ी योजनाएं ये बनाकर चल रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पर रेमंड का फोकस तो है ही, लगातार कंपनी कर्ज भी कम कर रही है और 2 साल में मैनेजमेंट का कहना है कि पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी होती हुई दिखेगी। विदेशों में जैसे कि हमने देखा रियल एस्टेट कारोबार में उतरने की पूरी योजना कंपनी बनाकर चल रही है, ऑटो कंपोनेंट FMCG में भी बड़े निवेश की तैयारी है, तो क्लियरली ये तमाम सेगमेंट्स पर एक एक कर फोकस करना चाहती हूँ, इंडिविजुअली फोकस करके तमाम सेगमेंट्स और इनके सारे स्ट्रीम्स को बढ़ाने की कोशिश रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए रेमंड्स पर दमदार एक्शन। रेमंड्स एक तरह से आप थोड़ा बहुत रियल एस्टेट कंपनी मान सकते हैं, आज उछाल आने में ये सेक्टर आगे भी रहा है। चोपड़ा साहब, आपको पसंद है कोई रियल एस्टेट शेयर, कौन सा खरीदेंगे? सर मैंने कई बार मेंशन किया इंडिया बुल रियल एस्टेट मुझे अच्छा लगता है अनिल जी, कारण ये है कि अब वो इंडिया बुल नहीं है सबसे बड़ी बात, दूसरा इसके अंदर जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं ग्लोबल वो आ गए हैं, इसके अंदर ब्लैक रॉक आ गया, इसके अंदर एम्बेसी आ गया है, तो इसका नाम भी बदलेगा, मुझे इंडिया बुल रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे से मेरी पसंदीदा स्टॉक पूछे तो वो DLF है, जो कि दिग्गज है रियल एस्टेट में और नॉर्थ इंडिया में तो खास करके बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे लगता है कि अगर कोई लंबी अवधि तक DLF को लेकर रखे, यहाँ से डबल होने का दमखम रखता है, क्योंकि इन्होंने एक बात, आप भी दिल्ली रहे हैं अंजी जी, जो ये मॉल्स बनाते हैं वो बड़े मार्की होते हैं, ब्रांड्स को बुला लेते हैं, मतलब ये इतना ऑरा क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास, जो कि बड़े दुनिया के दिग्गज ब्रांड्स आ जाते हैं, और जो इनका कमर्शियल रियल एस्टेट है, अगर आप साइबर सिटी की बात करें, जो इन्होंने गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कैमेलियाज अरालियाज, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ एक ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं कैमेलियाज जैसे जो बाय इनविटेशन ही है, कोई जाके ऐसे खरीद नहीं सकता है, तो आसान नहीं है DLF में कैमेलियाज में कोई प्रॉपर्टी लेना, आपके पास कितना ही पैसा हो बट वो बाय इनविटेशन है, तो इस तरीके का ऑरा क्रिएट कर पाना इसका रीजन तो मैनेजमेंट बताएगी, मगर कैमेलियाज इज ओनली बाय इनविटेशन। अच्छा, एंट्री बाय इनविटेशन, अच्छा। और आप अगर आप कैमेलियाज में रहते हैं या आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो आप रेफर कर सकते हैं, मगर कोई भी जाके कैमेलियाज में अगर उसका कितना ही पैसा वो ले नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ रेफरेंस होना चाहिए, तो वो एक इन्होंने एक ऑरा क्रिएट किया है ऐसे टाइम में
जब अभी एक साल पहले तक तो घोर मंदी थी रियल एस्टेट में, उस समय पर भी इन्होंने कैमिलियाज जैसे प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट बेचा, 30-35 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बेचा। तो नो डाउट हैट्स ऑफ टू दी मार्केटिंग स्किल्स ऑफ डीएलएफ, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अनिल जी। मुझे लगता है डीएलएफ यहाँ से डबल हो सकता है, लंबी अवधि के लिए वेट करना पड़ेगा, मगर रियल एस्टेट में मेरी ये दो पसंदीदा कंपनीज है, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और डीएलएफ। मैं भी एक ऐसी बिल्डिंग में हुआ था दीप, 2010-12 के आसपास, नहीं 2013-14 के आसपास, एंट्री बाय इनविटेशन, दुनिया के सबसे बेहतरीन टावर में से एक। मतलब अगर आपको वो लोकेशन और वो बिल्डिंग देखने जाना तो आपके पास 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। मतलब पूरा ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन से लेकर आपके लिए चाय कॉफी से ड्रिंक से लेकर तक वह मतलब पूरा प्रोसेस है, मतलब वो देखने का, और एंट्री बाय इनविटेशन। बढ़ती हुई ब्याज दरें मतलब एकदम हायर लेवल पर इस तरह के एंट्री बाय इनविटेशन, ठीक है, हर हफ्ते पिछले हफ्ते के मुकाबले में रियल एस्टेट की रेट्स बढ़ जाना, ठीक है, और 24% ब्याज पर लेकर भी आप इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट में इस उम्मीद में कि पैसा बनेगा, या बिल्डर आपसे 18-24% और 30% पर ब्याज पर पैसा लेकर प्रोजेक्ट बनाए, ये संकेत है यूफोरिया के रियल एस्टेट सेक्टर में, जो अभी दूर है, अभी तो दूर, अभी काफी दूर है, अभी काफी दूर है, लेकिन ये सारे संकेत है जब वो टॉप बनता है, और बॉटम तब बनता है जब इंटरेस्ट रेट्स आपके एकदम लोएस्ट लेवल पर हो। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी किसको खरीदनी नहीं है, रेडी पोजीशन भी उन्हीं को खरीदनी जिनको घर रहना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसी को लेना नहीं है, जो सारे संकेत अभी है, अभी ये रियल एस्टेट सेक्टर के बॉटम होने के संकेत है। तो बॉटम से टॉप होने तक की प्रोसेस एंजॉय कीजिए। सुबह डीएलएफ खरीदारी करने की राय दी थी हिमांशु जी ने, खराब बाजार में अदानी एंटरप्राइजेस, तो हिमांशु जी आपका कमाल कर ही गया, अब जरा डीएलएफ पे अपडेट भी दे दीजिए। जी अनिल जी, अनिल जी मुझे लगता है कि अभी इसका जो डीएलएफ का अपमूव है वो पेंडिंग है। सुबह एक स्टॉक में एक अपमूव जरूर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो फॉलो अप बाइंग है वो शायद अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है। 415 रुपए का जो मेरा टारगेट था, जो मैंने सुबह यहाँ पर इनिशिएट किया था, वो यहाँ पर आते हुए नजर आएगा। 405 के नीचे अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है, और यहाँ पर इसको खरीदारी करके चलने की सलाह है, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। अनिल जी एक मेरे पास बीटीएसटी है, आप अगर के पास आता हूं, पर कतार में वागले साहब ने ऑलरेडी हाथ खड़ा कर दिया था, तो एक बार बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये स्टॉक 10% ऊपर है, तो मैं डाउट करता हूं कि ये शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्लियर कट बीटीएसटी है, स्टॉक का नाम है बीएस सॉफ्टवेयर। मुझे लगता है ये 515 तक कल जाने के लिए तैयार है, अभी 501 का भाव है। अगर वो 10% से नीचे आता है हल्का सा तो बाय करें 494 के स्टॉप लॉस से। मेरा टारगेट कल का 515-520 का होगा। 520 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है बिरला सॉफ्टवेयर, ये वागले साहब को भी पसंद आ रहा है काउंटर। बिरला सॉफ्ट आज सभी के रेडार पर आपको आते हुए दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन में है, हिमांशु जी की भी कॉल थी। अब चलते हैं हिमांशु जी के पास बिगुल बीटीएसटीडी का। बताएं सर। तो दीपांशु जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, बहुत ही शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया है। स्टॉक का नाम है टीसीआई एक्सप्रेस, 2200-2205 रुपए के आसपास स्टॉक अभी करंट लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस स्टॉक को इस लेवल पर भी लें, और अगर 2170-2180 तक की कोई गिरावट मिलती है तो वहां पर भी स्टॉक को ऐड करें। 2140 रुपए का स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाएं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 2280 और 2360 रुपए तक के बड़े टारगेट्स आपको 1-2 दिनों में दिखाता हुआ नजर आएगा। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स, पोजिशनल चार्ट्स, लॉन्ग टर्म चार्ट्स, सब पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आए हैं, जो भी यहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। और जिस तरह से एक अपर रेंज पर होल्ड करने के बाद आज ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है, मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको 10% तक की मूव इन लेवल्स पे भी दिखाने की पोटेंशियल रखता है। तो टीसीआई एक्सप्रेस यहाँ से बीटीएसटी क्लिक करके खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीआई एक्सप्रेस। और मुझे जी ने सुबह आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दिया था 2000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2140, तो मुझे जी का टारगेट भी हासिल हुआ, उनका टारगेट ऑलरेडी, उनकी तरफ से धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा है हिमांशु जी, ऑलरेडी टारगेट आ चुका है, सो इसलिए उनको आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप आ गया है। लेकिन फिर भी आपको शुभकामनाएं उनकी तरफ से, क्योंकि ये स्टॉक कमाल तो करता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, और इमर्जिंग मार्केट्स में दिख रही है एफआईआईज की दमदार बिकवाली। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से परेशान हैं कि एफआईआईज बहुत बेच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बेच रहे हैं,
और भी कई जगह बेचे, इससे आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। वैसे हाल है कि जो क्लास में समझा था दोस्त लोग के रिजल्ट जो साथ में आते हैं कि अपने फेल हो जाए लेकिन अगला वाला क्लास में टॉप नहीं करना चाहिए। हाँ तो जैसे लाइट गई तो खाली अपनी यहाँ नहीं गई, सब पूरी सबकी गई है, वैसा वाला हाल है। तो देवांशी आपका दुख दर्द कम करने के लिए तैयार, देवांशी बताइए सब जगह बिकवा ली? बिल्कुल सर, इमर्जिंग मार्केट्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि भारत में सबसे कम बिकवाली हुई है। अगर आप FIs की बात करें तो सबसे कम बिकवाली अगर आप ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो भारत में होती हुई दिखी FIs की तरफ से। धीरे धीरे अगर आप पूरे साल का ट्रेंड देखें, FIs ने धीरे धीरे इमर्जिंग मार्केट से विड्रॉ किया है, काफी सारा यहाँ पे फंड निवेश किया था उन्होंने लेकिन अब धीरे धीरे वो विड्रॉ करते हुए दिखे। उसमें भी आप देखिए ताइवान, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देश हैं वहां पे FIs की लगातार बिकवाली हावी होती हुई दिखी है पिछले एक साल में। अब अगर हमारी बात करें तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब वो ट्रेंड थोड़ा सा शुरू होता हुआ दिख रहा है और मॉर्गन स्टैनली और जो अन्य ब्रोकिंग हाउसेस हैं उनका ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है क्योंकि कमोडिटी प्राइजेस भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसके चलते इन्फ्लेशन की चिंता थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है और साथ ही आने वाले समय में डिमांड इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है और इसके चलते नतीजों पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और आप देखिए इसके चलते हमारे बाजार में भी अगर आप पिछले 6 दिन का भी ट्रेंड देखें तो करीब 8,000 करोड़ तक की बिकवाली आती हुई दिखी थी और सबसे ज्यादा अनिल जी आप देखिए पिछले 2 ही दिन में 7,000 करोड़ तक की बिकवाली हमने FIs की तरफ से देखी है। तो इसके चलते हम यही देख रहे हैं कि क्या आप धीरे धीरे FIs यहां से भी विड्रॉ करते हुए दिखेंगे या फिर हमारे संकेत या इकोनॉमिकल जो संकेत है वो सुधरते हुए दिखेंगे। सारे इमर्जिंग मार्केट चलो बढ़िया ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी शक्ल उनको पसंद कम आ रही है, ऐसा नहीं है। भारत वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज हैं जहां से FIs थोड़ा सा सेलिंग कर रहे हैं। अब तक अगर आप देखें तो भारत में सबसे ज्यादा FIs ने निवेश भी किया। इसको एक शब्द में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या मतलब जो दूसरों के दुख से हमें थोड़ी राहत मिले, इसको ये आदमी भी दुखी है, मैं थोड़ा सा नहीं मैं भी नहीं बताऊंगा कुणाल जी बताएंगे क्योंकि कुणाल जी ने जो लिख के भेजा, कुणाल जी मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, बताओ सर क्या है? अरे भाई साहब पता नहीं कहां से लाए। हाँ हाँ वैसे ही कुछ है, हाँ, जी ये जर्मन वर्ड है, शब्द तो जर्मन का है। वो एक कुत्ते की जो नस्ल है उससे मिलता जुलता नाम है, वो बताइए। दीपांशु समझ गए? हाँ क्या बताइए? अरे जी इसको कहते हैं शार्डन फ्रॉइडे। हाँ ऐसे ही नाम का मिलता जुलता एक कुत्ता भी होता है, होता है ना मुझे कोई तो नाम निकाल होगा, किसी कोई है क्या? अच्छा आप तो पालते हैं, थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा सर। श्नाइडर नहीं नहीं स्पिट्स कुछ ऐसा भी है, मैं भी गूगल करूंगा ऐसे मिलते। चलिए एनीवे जय हमारे साथ जुड़ चुके, जय से लेते जल्दी से उनकी कॉल। जय का जय का कैश का ऑप्शन बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी मॉर्निंग में तो हमने 37,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी में, उसमें तो ये अच्छा मूव देखने मिला, 580 तक का मूव हमें देखने मिला जो 460 का कॉल ऑप्शन था 37,000 के स्ट्राइक का। अनिल जी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल्स पर यू नो निफ्टी में तो अच्छा खासा बाउंस आया, इनफैक्ट जो सोचा था कि 17,550 17,600 तक के लेवल्स हमें देखने मिले वो ऑलरेडी वहां पे हमें देखने मिले अनिल जी, एंड निफ्टी में शायद और थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो सकता है 17,600 तक, 550 तक तो आया, 17,600 तक आ सकता है मैक्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा निफ्टी का सस्टेन करना, 600-700 रेंज जो है बहुत ही क्रिटिकल रेंज है। सो अनिल जी अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा कि इसमें 36,900 कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदे बिकॉज कंपैरेटिवली मुझे वहां पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर लग रहा है। 507 के आसपास ये 36,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन चल रहा है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे थोड़ा बाउंस और आ सकता है आपका 37,500-37,600 तक के लेवल्स तक, तो ये जो 500-506 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है 36,900 का कॉल इसको खरीद कर चले, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जी नीचे की तरफ होना चाहिए 335 का, 335 का यहाँ पे आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ बनेंगे लगभग 700-800 ये तो टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं 36,900 का कॉल। रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज थोड़ा बेटर कंपेयर टू निफ्टी और ये जैसे ही बाउंस खत्म होगा अनिल जी आई थिंक ट्रेडर्स शुड बी ऑन टूस के वहां से फिर से एक रिवर्सल भी निफ्टी में देखने मिलेगा फॉर श्योर। सो एक शॉर्ट टर्म बाउंस थोड़ा और कंटिन्यू करें एंड देयर आफ्टर वापस सेल ऑफ देखने मिलेगा। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 36,900 का कॉल खरीदने की राय इस समय आती हुई नजर रखते हैं इस काउंटर पर। IRCTC के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, 150 ट्रेन शुरू करने की बात है।
स्ट्रेटजी ले लें सर एक बार? हाँ तैयार है, चलिए आइए चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रेटजी के लिए। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी आज मार्केट की कॉल आपकी जबरदस्त थी, पर उससे ज्यादा जबरदस्त आपकी डाउ फ्यूचर्स की कॉल है सर। सिर्फ 20 पॉइंट नीचे बचे, तो 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स था, अब सिर्फ 20 पॉइंट ऐसा नीचे है। दीप मार्केट की कॉल तक ठीक है, ये तो अंदाज था कि भाई हमारा देख के डाउ सुधरेगा, ये अंदाज वाली बात है, इसमें कलाकारी नहीं। लेकिन हाँ 37,450 निफ्टी का एग्जैक्ट लेवल वहीं पर पहुंचा है, 37,450 दिया था वहीं पर पहुंचा है जी। और माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का 17,550-575 तो 575 की जगह 555 से घुमा है जी। तो मतलब लगभग उन लेवल के। अब अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें कल के लिए, फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनानी है, फ्रेश पोजीशन के लिए कल देखें। हाँ ठीक है, हो सकता है आप डाउ रिकवर हो जाए, कल से गैप मिले आपको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आपको एक डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। 300 पॉइंट नीचे से निफ्टी ऊपर है, वहां से आपको लॉन्ग बनाकर जाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता। एब्सोल्युटली मिल सकता है 50-75 पॉइंट गैप आप मिल सकता है, 17,600 भी खुल जाए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये दिन ऐसे होते हैं चाहे वो मंदी के हो चाहे गैप से ऊपर के हो, उस दिन आपको देखना है कि मेरे मुझे पैसा बचाना है, रिस्क कितनी लेनी है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग है रखिए, कोई दिक्कत नहीं कल के लिए। नया मत करिए न निफ्टी में न बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कल हम नया तब करेंगे जब 17,600 के ऊपर निकलेगा या नीचे थोड़ा मिले। बैंक निफ्टी में नया तब करेंगे जब 37,550 के ऊपर निकलेगा या फिर नीचे मिले 37,050 के आसपास। तो इस बीचों बीच में जब हम बंद हो रहे हैं तो अभी कुछ नहीं करना, आराम। तो ट्रेडर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, पर एक इंटरेस्टिंग बात जो कल आपने इन्वेस्टर्स के लिए कही थी सर वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर किसी ने उस बात पर एक्शन भी लिया हो तो बड़ा फायदा भी उन्हें मिलेगा ओवर अ लॉन्ग टर्म। जो कल कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कल की गिरावट एक अच्छा मौका था। एक बार देख लेते हैं क्या कहा था अनिल जी ने। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है दीप, एक छोटा टुकड़ा इन्वेस्टमेंट का यहाँ जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि 17,350-17,400 लगभग ये वो रेंज है जहां पर आपको अपना निवेश शुरू करना चाहिए। आप सिर्फ इंडेक्स देखेंगे तो आपको लग सकता है कि इंडेक्स में इतने गिरे नहीं तो अभी क्यों पैसा लगाएं, लेकिन आप स्टॉक्स की प्राइसेस में देखेंगे तो वो करेक्शन हुआ है जो आपको इंडेक्स में शायद नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छे फंड्स में या अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने का वक्त है, चुनिंदा खरीदारी करने का वक्त है। अगर इन्वेस्टर्स के बेस पे आप देख रहे हैं तो अनडाउटेडली 17,300 के आसपास आपका एक इन्वेस्टमेंट बनता है। आप अपना 25%-20% डाल दीजिए, जितना आपको ठीक लगे उतना डालिए। तो ये है, ये थी सलाह अनिल जी की तरफ से, और अगर आपने इसमें अमल किया तो बड़ा एक्शन होगा। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका गिरावट में मिला है, ट्रेडर्स के लिए फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। पर आइए एक बढ़िया कॉल सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जिस तरह से मार्केट्स में आज लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है, ऐसा लगता है मार्केट्स में बेस बन सकता है और यहां से एक नई शुरुआत हो सकती है तेजी की। ऐसे ही एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है, उसमें भी करेक्शन के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक की अब सुबह हो चुकी है और स्टॉक अब यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का भाव चल रहा है ₹54.50-54.80। स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। सुबेक्स की सुबह हो चुकी है और यह स्टॉक एक ब्रेकआउट देने को तैयार है। लास्ट कुछ दिनों में करेक्शन दिखाया, करेक्शन दिखाने के बाद तेजी करी, तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेशन किया। तो ये जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, एक पोल फॉर्म हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है और उसका आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सुबेक्स में यहां से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, जिसमें ₹59 का पहला टारगेट बनेगा, ₹63 का दूसरा टारगेट बनेगा, 50-51 का नीचे में सपोर्ट है। 51 का स्टॉप लॉस लगा के सुबेक्स में खरीदारी करें 59-63 के टारगेट्स के लिए। 63 के टारगेट के लिए सुबेक्स में करें खरीदारी। यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय, दमदार कॉल साथियों दिख रही हैं। बढ़िया एक्शन रहा है आज बाजार का, एंड में आपने थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्के हो रहे हैं बाजार, बट जो दिन के निचले स्तर आज आपने मॉर्निंग में देखे थे वहां से जबरदस्त रिकवरी के साथ आप क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया, और सरप्राइजिंगली पावर स्टॉक सबसे आगे थे और पावर ग्रिड टॉप गेनर 4% की तेजी के साथ। मेटल्स जो कल भी हमने देखा था कल की कमजोरी में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक बाउंस बैक आते हुए दिख रहा था, आज वो बाउंस बैक और आगे जाते हुए दिखाए। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको, इन तीनों में रही खरीदारी, पर वेदांता था आज का बिग विनर। प्रमोटर जो यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, करीब 4.5% हिस्सेदारी प्रमोटर ने खरीदी है, उसका इंपैक्ट स्टॉक। हिमांशु जी,
आज सुबह भी हमारे साथ थे, वो कॉल से निकले हैं, अभी भी हैं। हिमांशु जी ये बताइए, आज सुबह सुबह आपने उठते ही क्या किया था काम? अरे कुछ तो किया होगा हिमांशु जी। योगा किया था सर। अरे योगा के पहले उठते ही? अच्छा जो भी क्या हो वही रोज किया कीजिए। मतलब आज के कॉल आपके आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि सुबह उस खराब माल अदानी एंटरप्राइजेस और दूसरा डीएलएफ का बाय कॉल देना बेहद हिम्मत का काम था। उसके बाद दोपहर वाले शो में बिरला सॉफ्ट और हाइकल, हाइकल लगभग लगभग टारगेट पर पहुंच चुका है, बिरला सॉफ्ट भी 10% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हो रहा है 501 पर बड़े ब्रेकआउट के साथ। तो कमाल के कॉल्स आज हिमांशु जी के आते हुए दिखे हैं, तो इसलिए जो कर रहे हैं वो कहते हैं वो हमारे क्रिकेट में कि विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो आपने जो आज सुबह किया है, अगर आपने उठते ही कांच में अपना मुंह देखा है तो ये मान के चले कि आपका अपना मुंह देखना शुभ है, और किसी और का देखा तो उन्हीं का देखिए, है ना? ठीक है ना, तो जो कर रहे हैं आप एकदम सही कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट आज जो किया है बहुत ही बढ़िया। तो इतना थोड़ा सा अंधविश्वास है, कोई हर्ज नहीं, थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं जिसमें किसी का नुकसान ना हो ऐसा, ठीक है ना। तो चलिए बेहतरीन क्लोजिंग होती दिख रही है, 17,500 के बेहद करीब बंद होता हुआ निफ्टी, बड़ी रिलीफ रैली। आप वैसे देखेंगे परसेंट पॉइंट्स में तो 70 पॉइंट ऊपर, बहुत 50 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बड़ी बात नहीं है 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन जिस तरह से निचले स्तरों से रिकवर होकर हम बंद हो रहे हैं वो एक बड़ी रिलीफ की बात है। सबसे बड़ी बात रिलीफ की बात इंडेक्स में नहीं है, इंडेक्स के बाहर है। स्टॉक्स जिस तरह से रिकवर हुए हैं, ये जो नीचे के सर्किट लग रहे थे कल आज ऊपर के हैं, ग्लेनमार्क, बिरला सॉफ्ट 10% ऊपर, बिरला सॉफ्ट में सर्किट खुलती हुई भी दिख रही है अब 10% वाली, और ग्लेनमार्क में भी 10% वाली सर्किट खुलती हुई दिख रही है। स्टार फार्मा, स्ट्राइक फार्मा जिसको आप कहते हैं, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। केमिकल शेयरों में SRF और नवीन फ्लोरिन तेजी से ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मिड कैप शेयरों में भरपूर गेन होता हुआ दिख रहा है। सुबह आपने घंटी की आवाज़ सुनी थी और आज बंद होते होते घंटी की मधुर आवाज़ आप सुन रहे हैं, 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में मधुरता आती हुई दिखी है घंटी की आवाज में। क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन, डाउ फ्यूचर्स रिकवर होते होते मुश्किल से 25 पॉइंट नीचे बंद होते हुए नीचे ट्रेड कर, नहीं वो भी हो गया, पूरा रिकवर हो गया। वाओ जय हो, बहुत बढ़िया, इतना डाउ हमें फॉलो करते हैं तो हमने पहले सोचा ही नहीं था, बहुत ही बढ़िया। ये एक बेहतरीन एक्शन आपके लिए डाउ पर भी आता हुआ दिख रहा है, अनचेंज 200 पॉइंट नीचे से 200 पॉइंट से बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी। थैंक यू वेरी मच डाउ जी। ओके अब आइए आपके लिए विशेष शो जो आपको देखना है शाम के शो के लिए, मैं आपको बता दूं क्या कुछ आपके लिए खास है आज बाजार बंद होने के बाद। जिग्निशन, अगर आप कोई नई हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं जो कि शानदार लुक्स दे, फीचर्स बहुत ही बढ़िया हो और माइलेज भी सबसे ज्यादा, अरे वाह सब कुछ चाहिए हैचबैक में, वेरी गुड। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, आप मांग सकते हैं और मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का ऑटो शो जिग्निशन इसी पर आधारित है, जहां हम आपको ले चलेंगे मारुति सुजुकी की नई सेलेरियो की टेस्ट ड्राइव पर, दिखाएंगे आपको साथ ही स्कोडा की अपकमिंग प्रीमियम सेडान कार स्लाविया, और साथ ही ऑटो कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे कुछ खास बातचीत जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। अच्छा भाई जब है ये स्कोडा की जो अपन तो स्कोडा बोल रहे हैं, स्कोडा हाँ स्कोडा, मतलब हिंदुस्तान में तो स्कोडा चलेगा, बाहर जाएं तो स्कोडा बोलना, बाहर स्कोडा बोलना ना। हाँ मैं कहाँ गया था, वहाँ पे प्राग चेकोस्लोवाकिया में, वहाँ इनका बड़ा शोरूम था, मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री, तो वहाँ फिर वहाँ मैं पहली बार समझा कि स्कोडा बोलना पड़ता है। मृत्युंजय आप तो ट्राई भी मत करो, मैं खुद इतने साल हो गए हैं मुझे तो। ये गाड़ी बहुत ही जोरदार है, मुझे स्वाति बता रही थी ये प्रीमियम सेडान कार स्लाविया जी, तो कुणाल जी राकेश जी को इस पे नजर डालनी चाहिए अगर उनका मन JLR से हटकर कहीं आए तो। ओके ये एक बेहतरीन, कम से कम शो तो देख लीजिए, कुणाल जी गाड़ी लेना ले 4:30 शो जरूर देखेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कार है बेहतरीन फीचर्स के साथ। और जो पहले एक जमाने में मैंने उन स्वाति को ये पूछा था, मैंने कहा कि इसमें तो बड़ी वो आफ्टर सेल सर्विस और बड़े इश्यू सर्विस, उसने बोला सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, अब काफी बढ़िया हो गया। तो अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 4:30 का ये शाम का शो। PMC बैंक में फंसे लोगों के लिए पैसे अब आपको धीरे धीरे मिलेंगे, वक्त लगेगा लेकिन मिलेंगे, इसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीद रही है। लेकिन क्या इन कोशिशों से सहकारी बैंकों पर ग्राहकों के भरोसों को फिर से लौटाने में मदद मिलेगी? आखिरकार ज्यादातर घोटाले कोऑपरेटिव बैंक्स में ही क्यों होते हैं, और क्यों कोऑपरेटिव बैंक्स के मैनेजमेंट के तार
हमेशा पॉलिटिशियन से जुड़े हुए निकलते हैं। इनके डूबने में राजनीतिक दखलंदाजी का कितना हाथ है, इनके कामकाज में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, आज इसी पर हम करेंगे आपकी खबर आपका फायदा में। इस मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत शाम 5 बजे। कोऑपरेटिव बैंक कितना कोऑपरेटिव, जी हाँ ये है आपके लिए, मतलब ये शो होगा। ज्योतिंद्र मेहता साहब होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज के प्रेसिडेंट हैं। निखिल रमाकांत वोरा साहब होंगे जो पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन जो बनी उनके मेंबर भी हैं, और पीके मल्होत्रा साहब हैं एसबीआई के पूर्व डिप्टी एमडी साहब, उनसे भी करेंगे बातचीत आज शाम। ग्लोबल बाजार में निवेश के कई मौके इस वक्त निवेशकों के सामने खुल चुके हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया के बाजारों में एक्सपोजर चाहिए तो इंडेक्स फंड के जरिए निवेश के विकल्प आप तलाश सकते हैं। इंटरनेशनल बाजार में निवेश इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या है ग्लोबल मार्केट्स में निवेश के फायदे, कैसे करें ये निवेश, विदेशी बाजारों में निवेश को लेकर होगी शाम 6:30 बजे की खास पेशकश। ग्लोबल बाजार में न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ, मोतीलाल ओसवाल के पैसिव फंड के हेड प्रतीक ओसवाल और साथ ही कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के वेस्ट जोन हेड विकास पुरी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको इसके बारे में। और यूरोप के में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जर्मनी, रशिया और समेत कई सारे और ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लग गया है, आखिर क्या वजह कि इन देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये फिर पूरी दुनिया के लिए क्या खतरे की घंटी है और इससे निपटने के लिए हमारी सरकार कितनी तैयार है। यूरोप में बढ़ते हुए कोरोना का 360 डिग्री विश्लेषण होगा आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में। कोरोना का यूरोप में यू टर्न, ये है हमारी कवर स्टोरी, देखना मत भूलिएगा, ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन होगा। इन्वेस्टर वीक के, ग्लोबल इन्वेस्टर वीक के मौके पर, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक नॉट ग्लोबल, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ बेहद खास वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि बेस मेटल्स में किस तरह से आप हेजिंग कर सकते हैं, इसमें प्राइस डिस्कवरी किस तरह से होती है और आत्मनिर्भर बनने में मेटल इंडस्ट्री की कितनी बड़ी भूमिका है। तो जुड़िए हमारे साथ 25 नवंबर को 12:30 बजे हमारे खास वेबिनार हेज इन इंडिया। जी हाँ, हेज इन इंडिया, ये है विशेष प्रोग्राम। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप BMH लिखकर 57575 पर SMS भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप उस रजिस्ट्रेशन के लिंक के जरिए इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ पाएंगे। चलिए, ये है आज का आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम शाम का, विदा लेने का वक्त है। उससे पहले फाइनल क्लोजिंग आ गई, एक बार रख दूं फाइनल क्लोजिंग आपके सामने, 17,503 एग्जैक्ट वहीं पर, और 37,272 बैंक निफ्टी, बढ़िया, 58,664 सेंसेक्स, ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग आज की। चोपड़ा साहब, कुणाल जी और हिमांशु जी, सुमित जी और विश्वेश जी और जय ठक्कर साहब, आप सबको, अच्छा जैसे मैंने सुमित जी का नाम लिया, सुमित जी के चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ गई। सुमित जी, मतलब ये दिल से आई कि मतलब आपको पता चला कि जैसे मैंने बोला नाम आपका, अब आप कैमरे पे आएंगे, कैमरे पे आते ही मुझे मुस्कुराना है, तैयार रहे? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है, शो अच्छा एंड हुआ, मार्केट अच्छा पॉजिटिव हो गया, बंद हुआ, इसके लिए मुस्कान आई। ओके, ये मुस्कुराहट आपकी बनी रहे, मार्केट अच्छा रहे तब भी, अच्छा ना रहे तब भी मुस्कुराहट रहनी चाहिए, बाकी तो ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, रोज का काम है, होता रहेगा, चिंता न करें। आइए, आप सभी से विदा लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।